तो सबसे पहला बात क्योंकि हमारे आज दो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और दो टॉपिक हम कौन से पढ़ने वाले हैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स और ब्लॉटिंग के बाद हम पढ़ने वाले हैं पीसीआर के बारे में ठीक है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या टॉपिक्स हैं और उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरी जो लेट ज्वाइन किए हैं ठीक है टू गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग श्रेया आगे बात करते हैं चलो सो ब्लॉटिंग टेक्निक्स में होता क्या है देर इज अ ट्रांसफर वॉट यूल फाइंड इज दैट देर वुड बी अ ट्रांसफर ऑफ सम समयोमोलिक्यूल जो हम पढ़ने वाले हैं उनमें क्या होगा देर वुड बी अ ट्रांसफर ऑफ सम बायोमोलिक्यूल फ्रॉम फ्रॉम जेल या मोर मूवली इलेक्ट्रो फोरेटिक जेल टू फिल्टर पेपर विच वुड बी मोस्ट ऑफन नाइट्रो सेलुलोज शीट ओके तो हम क्या करेंगे कि कोई बायोमोलिक्यूल होगा दैट मे बी आर डी एन ए और दैट में बी आ प्रोटीन और दैट में बी आर एन ए जिसको हमने सिर्फ से सेपरेट आउट किया मोस्ट ऑफन जो सेपरेशन करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल करते हैं दैट इज द इलेक्ट्रोफोरस उसके बाद इनको हम ट्रांसफर करें किसी फिल्टर पेपर के ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है जेल से बाहर क्यों निकाला इसको ब्लॉट क्यों किया ट्रांसफर क्यों किया पर्पस ये था कि अब नाउ क्योंकि जेल के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता अब हाइब्रिडाइजेशन कराया जा सकता है सो so, सबसे पहले आपके पास जेल है उसके बाद पेपर है और अगली स्टेप में अब हम क्या करेंगे वी विल इंक्यूबेट सम प्रोब किसके साथ इंक्यूबेट करेंगे प्रोब के साथ जो टारगेट मॉलिक्यूल के साथ जाकर बाइंड होगा जिसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो बेसिकली दीज बी द स्टेप्स व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन दीज बी द स्टेप्स व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन तो प्रोब हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर जगह पर जाकर हाइब्रिडाइज हो प्रो कहां जाकर हाइब्रिडाइज होगा तो प्रोब हाइब्रिडाइज होगा टारगेट के साथ लेट से द टारगेट जहां पर प्रोब हाइब्रिडाइज हो गया ठीक है तो अब एक एक कर इन सब के बारे में बात करेंगे श्रेय ठीक है तो हो सकता है दिस इज द आवर टारगेट ये क्या है हमारा टारगेट है तो टारगेट <uvo> <Mix> तो को पहचानने के लिए जो इस टारगेट को पहचानेगा उसे कहा जाएगा प्रोब अगर टारगेट डीएनए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए प्रोब कहलाएगा टारगेट आरएनए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोई डीएनए प्रोब कहला सकता है कोई टारगेट प्रोटीन है तो कोई एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट क्या कहला सकती है प्रोब कहला सकती है आ, कर सकते हैं का क्या कर करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना हमें ऐसा कोई पेपर इस्तेमाल करना चाहिए जिसके ऊपर एड्सॉर्ब मजबूती से बायोमोलिक्यूल हो ठीक है क्लियर यहां तक बात सो गुड मॉर्निंग एवरीवन अब एक एक करके पढ़ें पढ़ेंगे सारे प्रोसीजर्स पढ़ेंगे तो हमने स्टार्ट किया डिटेल में पढ़ेंगे तो ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है तो ब्लॉटिंग का मतलब होता है मोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल जिसको आपने सेपरेट आउट किया है वो बायोमोलिक्यूल डी ए हो सकता है आर हो सकता है प्रोटीन हो सकता है लिपिड्स हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो सकता है कुछ बायो जिसको आपने सेपरेट आउट किया वो जेल के अंदर तो हमारा प्रोब अंदर घुसेगा नहीं हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए इसलिए हम क्या करते हैं मॉलिक्यूल का रेप्लिका ट्रांस या उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं ऑन टू सर्टेन शीट्स मोस्ट ऑफ एन नाइट्रोसेलोन शीट नाइलोन शीट भी आप इस्तेमाल करें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद उन, उनमें हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है नहीं उस भीड़ में पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोब ठीक है सो प्रोब एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो सिग्नल देगा टारगेट के साथ बाइंड होने के बाद कि टारगेट यहां पर अवेलेबल है तो जासूसी करने के लिए जिसे हम भेज रहे हैं उसे कहते हैं प्रोब और जासूस अपने टारगेट को पकड़ भी लेगा और वहां से हमें सिग्नल भी देगा कि मैंने इसको पकड़ लिया देखो ये यहां पर मौजूद है क्लियर है बात कोई बात नहीं महेश आप इधर की तरफ फोकस करो वहां पर क्या हो रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है ना आगे बात करते हैं आ, सदन ब्लॉटिंग सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सदन ब्लॉटिंग दोस्तों जितनी भी ब्लॉटिंग टेक्निक होती है उनके बारे में एक बात हमें से याद रखना है ये कैसी होती है महेश या वंशिका दीज आर द इन विट्रो अप्रोचेस इन विट्रो अप्रोचेस का मतलब द अप्रोचेस विच अकर इन टेस्ट यू है ना देखो दो चीजें होती हाँ बिल्कुल अभी शुदा प्रोब के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे ना प्रोब हमारे लिए अभी जासूसी करने वाला एक कोई मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल जो जासूसी करता है ओके अभी उसके बारे में फोकस करो तो सदन ब्लॉटिंग के अंदर ये एक इनविट्रो अप्रोच है चाहे सदर्न ब्लॉटिंग की बात करेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की बात करेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बात करेंगे जिस किसी भी ब्लॉटिंग के टेक्निक की हम बात करेंगे सब इन विट्रो टेक्निक है जिसके अंदर हम मॉलिक्यूल को बायोलॉजिकल सिस्टम से बाहर निकालेंगे पेपर के ऊपर रखेंगे और फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे यस yes, तो इन विट्रो का मतलब इट इज इन साइड द लैब इट मे बी इन साइड द टेस्ट ट्यूब इट मे बी ऑन द फिल्टर पेपर बट इट इज नॉट डेफिनेटली इन अ ऑर्गेनिज्म ठीक है ऑर्गेनिज्म के बार हम कुछ चीज कर रहे हैं मतलब ऑर्गेनिज्म से यानी आई सपोज आपके आंख निकाल कर उस उसमें डॉक्टर ऑपरेशन करा रहा दूंगे इन विट्रो है अगर शरीर के अंदर ही वो आपका ऑपरेशन कर रहा तो हम कहेंगे वो इन कंडीशन में कर रहा है ओके चलो आगे बात कर रहे सदन ब्लॉटिंग का इस्तेमाल किसके लिए कहता है तो सदन ब्लॉटिंग का काम है कि ये स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पूरी भीड़ में आपकी टारगेट क्या है इसमें टारगेट है आपकी कि वहां पर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस मौजूद है या नहीं और कैसे पता करेंगे टारगेट को तो हम वापस प्रोब की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे प्रोब वुड बी ऑल्सो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ठीक है तो भीड़ के अंदर हमारे पास हमारा डिजायर्ड डीएनए है नहीं उसको पता करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है दैट इज टू सदन ब्लॉट यानी हम ये कह सकते हैं सदन ब्लॉट कौन सी किस तरीके की टेक्निक है तो इसमें हम क्या करेंगे डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करेंगे करेंगे बिल्कुल बिल्कुल विशाखा ने इस एप्रोच को दिया था इसलिए इसे सदन ब्लॉटिंग कहा जाता है ओके अब महेश क्यों आगे दौड़ रहे हो थोड़ा शांत नहीं रह सकते आज पहली बार क्लास ले रहे हो मेरी और अगर आपको ज्यादा पहले से ही पता तो फिर रिवाइज करो ना फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यहां पर महेश पेशेंस 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 बाकी बच्चे भी तो पढ़ रहे हैं अपने अपन सबको ध्यान रख के आगे चलना है ना बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग इंडिविजुअली वी आर स्टडिंग कलेक्टिवली चलो तो इसलिए कमेंट्स पे ध्यान ध्यान नहीं हमारा ज्यादा फोकस पढ़ने में समझने की कोशिश करो और टॉपिक कद कंप्लीट हो तब पूछो मुझसे मैं बताऊंगा सब चीजें ठीक है तो दोस्तों दो चीजें हुई देख डीएनए तो में खूब सारे फ्रेगमेंट हैं उन फ्रेगमेंट में से कोई टारगेट फ्रेगमेंट वहां पर मौजूद है या नहीं वो हमें पता करना है तो कैसे करें तो उस टारगेट को पहचानने के लिए कोई एक उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होना चाहिए जैसे प्रोब है अब वो जाकर बाइंड हुआ या नहीं बाइंड हुआ तो प्रोब कैसे बताएगा कि वो जाकर बाइंड हो गया है जैसे मैंने कहा ना मार्स के ऊपर हमने प्रोब भेजा जुपिटर के ऊपर प्रोब भेजा वहां से वो हमें सिग्नल जनरेट करता है तो प्रोब के ऊपर कोई ऐसी चीज होगी जो कि हमें सिग्नल एमिट करेगा ऐसी क्या चीज हो सकती है इट प्रोब मे बी हैविंग एसोसिएटेड फ्लोरोसेंट डाई उसके साथ क्या हो सकती है दोस्तों फ्लोरोसेंट डाई हो हो सकती है प्रोब के साथ कोई क्या हो सकता है रेडियो आइसोटॉप जुड़े हुए हो सकते हैं प्रोब के साथ कोई एंजाइम जुड़ा हुआ हो सकता है मतलब कुछ ऐसी चीज उसके साथ जुड़ी हुई है जिससे वह वहां पर जहां कहीं पर भी प्रोब मौजूद है वहां से सिग्नल को एमिट कर सके ओके okay? बात समझ में आई तो प्रोब के दो काम हो गए एक कि जाकर टारगेट के साथ हाइब्रिडाइज हो और दूसरा अगर वो वहां पर हाइब्रिडाइज हो गया है तो वहां से किसी तरीके का सिग्नल एमिट करे कि भाई मैं यहां हूं देख लो तुम्हारा टारगेट को मैंने पकड़ लिया है इस पूरी भीड़ भाड़ में से क्लियर यहां तक बात समझ में आई आगे चले चले आगे

जैसे इस डायग्राम में देख रहे हो कि ए का ये जेल बी सी और डी है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस की और चारों के अपनी साइज साइज के हिसाब से सेपरेट आउट हुए छोटी वाले आगे प्लाज्म किए होंगे बड़ी साइज वाले पीछे रह गए अब इससे कोई बहुत ज्यादा कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता इसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कौन से सिमिलर प्लाजमिड है कौन से डिसिमिलर प्लाज्मिड है अच्छा तुम ये कह सकते हैं कि ए और बी और डी की साइज लगभग एक जैसी है सी की साइज है वो A, B और जन में थोड़ी सी ज्यादा यही कहा जा सकता है क्योंकि सी थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दिस इज अ लार्जर अब क्या ये चारों एक समान है है या इन में कोई वेरिएशन इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनको छोटे छुट छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं इनके बारे में भी आपको आइडिया होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के ऊपर एक टारगेट साइट पर कट लगाते हैं जैसे अगर आप इक्आर वन लेंगे तो डीएनए में जहां कहीं पर भी जी ए ए टी टी सी सीक्वेंस होगी उस जगह पर जाकर कट लगाएंगे ठीक है तो अब हम क्या कर रहे हैं जो ए बी सी डी जो चारों प्लाजम है अगली बार हम क्या कर रहे हैं उन सब के अंदर सपोज इको आर वन नाम का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है इको आर वन नाम का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल कर रहे हैं अब जाँ जाँ पर प्लाज़ोड में जी सीक्वेंस आई होगी उन उन सब जगहों पर दोस्तों कट किसने कर लिया होगा रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने ने ठीक है ओके वेरी गुड बच्चों उसके बाद अगली स्टेप में हमने क्या किया कि अब जो फ्रेगमेंट बने होंगे खूब सारे फ्रेगमेंट बने फ्रेगमेंट्स को अब हम सेपरेट कर रहे हैं।

क्न की मान ले मैंने हंड्रेड यूनिट सब जगह एड की जिसमें खूब सारे ओके तो हमने क्या किया इसी प्लाज्मेट को ए प्लाज्म को रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद जो फ्रेगमेंट आए उन फ्रेगमेंट को लेंथ के हिसाब से सेपरेट आउट किया सेकंड वाला प्लाजमेट है उसके फ्रेगमेंट को भी लेंथ के हिसाब से हमने अरेंज किया सी में भी और आप देख रहे हो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ सिमिलर नहीं है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ के अंदर क्या है वेरिएशन है पॉलीमोरफिजम हाँ ऑब्वियसली जेल इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले ही किया बेटा यहाँ पर रिक्वायर वन डाला उसके बाद हमने इसको लोड किया ये पहले तो विदाउट रेस्टिश एंजाइम है है ना ये एक्समेंट वन था जिसके अंदर हमने नो इक्वार एक वन एक्समेंट टू में हमने क्या किया कि प्लाज्मिड के साथ क्या ऐड किया हमने प्लाज्मिड प्लस इक्वार वन ठीक है और हमारे पास ऐसे फ्रेगमेंट्स आए यहाँ तक क्लियर आगे चले श्रेया ओके वंशिका वेरी गुड तानी राकेश तो आगे चले बेटा ठीक है यहां तक बात समझ भाई अब हमारा एम ये है कि क्या प्लाज्मिट्स चारों एक समान है या कुछ प्लाज्मिट्स में वेरिएशन है ठीक है तो और हर बैंड में ध्यान रखना जो हर बैंड यहां पर आ रहा है वहां पर एक डीएनए नहीं है वहां पर सेम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज है यहां से एक प्लाज्म था यहां यहां पर खूब सारे प्लाज्मिट थे और खूब सारे मतलब हर एक फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज है अब ये पता करने के लिए कि क्या प्लाज्मिट ये सेम है या डिफरेंट है जैसे अगर हम आर पैटर्न के हिसाब से देखें तो आपको ए और बी प्लाज्मिट लगभग सिमिलर दिख रहा है क्योंकि उनका बैंड पैटर्न एक जैसा है और सी और डी ए और बी के मुकाबले में अलग है सी वाला ए से भी अलग है सी वाला बी से भी अलग है इवन डी वाला भी इनसे अलग है ऐसा लग रहा है जब हम RFLP करें पर अब हमारा उद्देश्य है कि रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करें कि ए वाला किससे ज्यादा नजदीक है तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा दोस्तों नाउ वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक अ सम काइंड ऑफ प्रोब स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक फॉर प्लाज्मिड ए प्लाज्मिड ए के स्पेसिफिक हमें क्या लेना पड़ेगा प्रोब लेना पड़ेगा और प्रोब सपोज जैसे महेश कह रहा था अब उसकी बात को लेकर आ जाते हैं प्रोब इस बार क्या है रेडियो लेबल्ड है यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसमें रेडियो स्टॉप से ताकि वह सिग्नल है वह लिबरेट करेगा सिग्नल है वह एमिट करेगा अब ऑब्वियसली प्रोब ए के प्लाज्मिड ए के अगेंस्ट है तो ए के साथ तो बाइंड हो गई होगा और अगर बी के अंदर भी बी वाला प्लाजमिड भी ए के समान है तो उसके साथ भी हाइब्रिडाइज होगा सी से भी उसकी कुछ समानता है तो वहां पर जाकर इनकी हाइब्रिडाइज होगा डी के साथ भी अगर कुछ रिलेशनशिप है तो उसके साथ जाकर हाइब्रिडाइज होगा तो यानी अब राज खुलेगा ठीक है तो अब हम क्या करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन करने वाले यहां तक क्लियर हमें किससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है कि ए वाला प्लाज्मिड क्या बी सी डी से सिमिलर है या डिसिमिलर है वंशिका बेटा एक स्लाइड पहले जाओ ना क्या कहा था हमने यहां पर इस जगह पर आपको याद है इस जगह पर क्या कहा था हमने प्रोब क्या होता है फ्लोरोसेंट डाई हो सकती है रेडियो स्टॉप हो सकता है एंजाइम हो सकता है कैमिलूमि करने वाला हो सकता है ऐसी कोई भी चीज बेटा वंशिका जो कि हमें सिग्नल दे सके ओके उसके पास डबल स्टैंडर्ड के साथ क्यों डीएनए बैंड करेगा बेटा सिंगल स्टैंडर्ड के साथ करेगा ना ठीक है अभी क्लियर हो जाएगा चिंता मत करो ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास डीएनए को आइसोलेट किया डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसको रन किया रन करने के बाद साइज के हिसाब से सेपरेट आउट हुए उसके बाद उसके बाद हमने उसको रेस्ट्रिक्शन से कट किया कट करने के बाद जो फ्रेगमेंट्स बने उनको सेपरेट आउट किया अब हमें पता करना है कि कौन से सिमिलर है कौन से डिसिमिलर इसके लिए हमने प्रोब इस्तेमाल किया फॉर ऑफ प्लाजमेट ए अब से हाइब्रिडाइज होगा महेश थोड़ा सा रुको अभी समझ में आ जाएगा जैसे ब्लॉटिंग स्टार्ट करें अभी तो पहला स्टेप हो रहा है हुई अब हम तैयारी कर रहे हैं ब्लॉटिंग की सो so, अब हम क्या करेंगे दोस्तों हमारे पास एक ट्रे है और उसके ऊपर खूब सारे फिल्टर पेपर रख दिए क्या है देखो इसके अंदर क्या है बफर है मैं यहां लिख देता हूं क्या है ये बफर है एक ट्रे है जिसमें बफर भरा हुआ है उसके बाद हमने ऊपर क्या रखा फिल्टर पेपर और अब हम तैयारी कर रहे हैं कि जो हमारे डीएनए के बैंड्स हैं डबल स्टैंड फॉर्म में उसको सिंगल स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट कर कर नाइट्रोसेलोस के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा ठीक है? ठीक है तो प्रोब क्या लेंगे दैट शुड बी अगेंस्ट अनोन टारगेट सीक्वेंस है ना तो हमारा प्रोब है हमें पता है प्लाज ए की कुछ ये यूनिक सीक्वेंसेस होती है उसके हिसाब से हमने प्रोब को डेवलप किया है ये बफर लिया बफर के ऊपर फिल्टर पेपर लेटाए उसके ऊपर हमने क्या रख दी फिल्टर पेपर के ऊपर दोस्तों अब ये क्या है जेल ये क्या रख दी हमने एग्रोज फिल्टर पेपर है इसके अंदर सॉरी यहां बफर है बफर के अंदर हमारे पास ये तो मेंटेन कर ही रखा है सपोज ये पी सेवन मेंटेन कर रखा है और इसके अंदर यूरिया और मेंटेन कर रखा है यूरिया क्या करेगा कि जो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको किस में कन्वर्ट करके कर रखेगा ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फॉर्म में ताकि जब पेपर्स के ऊपर डीएनए ट्रांसफर हो तो डबल स्टैंड फॉर्म में ना हो बल्कि किस फॉर्म में हो सिंगल स्टैंड फॉर्म में यहां तक क्लियर कि पेपर्स है जेल है जेल के ऊपर हम रख रहे हैं अब ये नाइट्रोसेलो शीट तो ये लाकर रख दिया हमने नाइट्रोसेलोज का पेपर उसके ऊपर और खूब सारे फिल्टर पेपर्स और रख दिए और उसके बाद कैपिलरी एक्शन की वजह से बफर है वह यहां से ट्रेवल कर ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा दिस बफर बफर किस वजह से राइज होगा तो बफर विल राइज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऊपर की तरफ राइज होना शुरू होगा अब जब बफर राइज होना शुरू होगा तो जेल जेल के अंदर पहले डीएनए ऐसे रन कर रहा था अभी ये ऊपर की तरफ जाएगा और डीएनए बफर जैसे ऊपर की तरफ जाएगा जो यहां पर शीट है फिल्टर पेपर यहां से जो बफर ऊपर की ऐसा करने पर जो डीएनए है यहां से कहां पर जाएगा नाइट्रोसेलोस में और वो भी डबल स्टैंड फॉर्म में नहीं किस फॉर्म में आएगा सिंगल स्ट्रेंड फॉर्म में बफर है दोस्तों वह तो नाइट्रोसेलोस को क्रॉस कर सकता है पर डीएनए है वह नाइट्रोसेलोस को क्रॉस नहीं कर सकता यानी इसी का बफर कोई स्पेसिफाइड हमें यह नहीं पूछा जाएगा बफर के अंदर आपके पास ये ध्यान रखना है कि बफर क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा जो भी बफर आप इस्तेमाल करोगे दिस शुड बी एबल इट शुड बी इट शुड बी अंडर डी नेचुरेटिंग कंडीशन डी नेचुरेटिंग कंडीशन वाला होना चाहिए उसके लिए या तो पी एच सेवन प्लस यूरिया एड कर दो या पीएच सीधा नाइन कर लो तो यूरिया एड करने की जरूरत नहीं है कुल मिलाकर बफर में कैसी होनी चाहिए डी नेचुरटिंग कंडीशन ओके शिका तो हो क्या रहा है बफर जैसे जैसे ऊपर की तरफ राइज हो रहा है बफर जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है उस दौरान डीएनए जेल से निकलकर कहां पर जा रहा है नाइट्रोसेलोज शीट पर आप देख रहे हो बफर तो आगे जा रहा है पर डीएनए यहां से आगे नाइट्रोसेलो शीट ये नाइट्रोसेलोज शीट है नाइट्रोसेलोज शीट को क्रॉस नहीं कर पा रहा है नाइट्रोसेलो शीट पोरस है इतनी पोरस है जरूर कि बफर जा सके पर इतनी पोरस भी नहीं है कि उसमें से डीएनए को पास किया जा सके फिर कुल मिलाकर जो जेल के अंदर जो कुछ भी डीएनए था वो सारा का सारा निकल कर कहां पर आ गया है ये आ गया है हमारी नाइट्रोसलोस इधर की तरफ चिपक कर आ गया शीट वैसे सीधा कर रहे हैं ठीक है तो नाइट्रोसलोस शीट के ऊपर हमारे पास डीएनए है वह आ चुका है क्लियर यहां तक बात तो नाउ दिस इज नाइट्रोसलोस पेपर और उसके ऊपर सारा डीएनए है और डीएनए के स्टेट में है यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में है यानी जो डबल स्टैंडर्ड इस तरीके का हुआ करता था अब वो डीएनए यहां पर इस तरीके का नहीं है डीएनए ऐसा 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 कुछ है ऐसा, ऐसा, इस तरीके से कर लेते हैं इस तरीके से मतलब कि नाउ इट इज इन अ सिंगल स्टेट और थोड़ा सा हीट कर कर यहां बेक कर कर इसको परमानेंटली यहां पर एडजॉर्ब कर लेते हैं तो हर जगह पर बैंड के अंदर अब डीएनए कैसा है मल्टीपल कॉपीज है बट दे आर नॉट इन अ डबल स्टैंडर्ड फॉर्म नाउ दे आर इन अ सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है फिर अब तैयारी कि इसमें से प्लाज्मिड ए से सिमिलरिटी वाले डीएनए फ्रेगमेंट कौन कौन से जो प्लाज्मिड ए से सिमिलर शो करते हैं तो अब हमें प्रोब लेना पड़ेगा है ना तो प्रोब क्या होगा दिस इज नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़ प्रोब और प्रोब के ऊपर क्या लगा हुआ है दिख रहा है यहां से

सिंगल स्टैंडर्ड करना है तो या तो आप क्या करें पीएच को बढ़ाएं डीनेचुरटिंग चुटिंग कंडीशन रखें या यूरिया को ऐड करें ओके क्लियर यहां तक बात चलो चलो आगे बात करते हैं तो अब लाइक जैसे सिंपल पॉलीथीन की बैग है ईशी हाँ का बता देता हूं देखो से शीट शीट तक उसमें अब को डाला एक पॉलिथिन के बैग में है ना जैसे जीपर वाली बैग होती है उस तरीके और उसमें हम डालेंगे सॉल्यूशन जिसमें प्रोव होगा फिर ऐसे ऐसे हिलाएंगे हिलाने पर क्या होगा कि अगर कोई टारगेट डीएनए है तो उसके साथ हमारा प्रोब जाकर हाइब्रिडाइज होगा ईशे का ओके तो अब देखते हैं प्रोब लिया हमने प्रोब किसका स्पेसिफिक है इट इज फ्रॉम द प्लाजमेड ए हो सकता है प्रोब किसी टारगेट ये टारगेट के साथ जाकर बाइंड हो

सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उसको मिल रही है या नहीं मिल रही है मैकेनिकल फोर्स कब लगाया इसी हमने कब हमने मैकेनिकल फोर्स लगाया कहा लगाया बेटा हैंड से कब लगाया मैंने तो नहीं लगाया हैंड से मैकेनिकल फोर्स जेल से तो कैपलरी एक्शन की वजह से नाइट्रोसेलूस शीट के ऊपर ट्रांसफर किया हमने और अब हमारे पास नाइट्रोसेलूस की शीट है और नाइट्रोसेलोस की शीट को हमने एक पॉलीथिन बैग में डाल रखा है और उस पॉलिथिन या पॉलीथिन बैग नहीं तो एक ट्रे में डाल रखा है ट्रे के अंदर अब हमारे पास प्रोब है एक सॉल्यूशन में उस ट्रे को इस तरीके से हिलाएंगे बेटा तो नाउ इट इज ऑन द शीट ठीक है और प्रोब की लेंथ कितनी होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको टारगेट के अंदर कितनी स्ट्रिकजेंसी चाहिए है ना तो वो प्रोब आपका दस न्यूट्रोटाइड का भी हो सकता है पच्चीस न्यूट्रोटाइड का भी हो सकता है ठीक यहां तक बात समझ में आई अब तो कोई डाउट नहीं है चलो आगे बात करते हैं तो प्रोब या तो हाइब्रिडाइज होगा तो ऐसी सिनेरियो आ जाएगा या हाइब्रिडाइज नहीं होगा तो ऐसा सिनेरियो आएगा यानी वॉशिंग करने पर अगर प्रोब हाइब्रिडाइज हुआ तो वहां से हटेगा नहीं वॉश करने पर अगर प्रोब हाइब्रिडाइज नहीं हुआ तो वापस वहां से हटाया जा सकता है ठीक है तो कुछ जगहों पर प्रोब हो सकता है बाइंड हो कुछ जगहों पर हो सकता है प्रोब बाइंड ना हो वॉश स्टेप करने पर जहां पर प्रोब बाइंड नहीं हुआ वहां से हट जाएगा वॉशिंग करने पर वॉश वा, यानी वॉश बफर इस्तेमाल करने पर हट जाएगा यहां पर भी वॉश किया जहां पर प्रोब हाइब्रिडाइज़ है इस जगह पर वहां से वह वा नहीं हटेगा अब प्रोब कहां, -कहां पर बाइंड हुआ वो पता कैसे चलेगा कैसे पता चलेगा बताओ यूवी लाइट नहीं शांत फ्लोरोसेंट डाई होती तो हम यूवी लाइट लेते हैं। यहां पर रोक के साथ क्या है यस शिवराज रेडियो लेबल तो है शिका बात यह कि अब आपको ऐसी कुछ टेक्निक को सोचना है जो कि रेडियो एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड हो यहां पर फ्लोरोसेंट डाई होती तो यूवी होता बहुत सिंपल सा आपने सबने नाम सुना होगा रखेंगे। रखेंगे रेडियोग्राफी नाम से पता चल रहा है कि जहां पर रेडियो स्टॉप अपने आप बता देगा मैं यहां मौजूद हूं जैसे हमारी एक्सरे की फिल्म होती है ना ऐसे ही एक फिल्म होती है मतलब ये हमारी शीट है उसके ऊपर अब हम क्या प्लेस कर रहे हैं दोस्तों इस नाइट्रोसेलो शीट के ऊपर हम प्लेस कर रहे हैं एक एक्सरे की फिल्म क्या प्लेस कर रहे हैं इसके ऊपर तो so देखी होगी ना की की फिल्म कैसी होती वो वो उसके ऊपर रखते हैं और वो भी और भी अंधेरे में में इनके बारे कल पढ़ेंगे शांतनु चीजें रेडियो एक्टिविटी काउंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है आज हमें काउंट नहीं पता करना है आज हमें पता करना है कहां लोकेशन पता करनी है ठीक है आज हमारा पर्पज ये नहीं है कि कितना रेडियो एक्टिविटी आ रही है हमें ये पता करना है है कि कहां से आ रही है उस जेल बैंड पर ओके 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 चलो तो हमने क्या क्या अंधेरे में ही जो नाइटो शीट थी उसके ऊपर फोटोग्राफिक फिल्म रख दी तो जहां जहां पर रेडियो स्टॉप होगा वहां से वहां से फोटोग्राफिक फिल्म एक्सपोज हो क्योंकि बाहर से तो कहीं से लाइट मिल नहीं रही है अब कहां कहां से फिल्म एक्सपोज हो गई उसको पता करने के लिए हम क्या हैं फिल्म को डेवलपर्ड में रखते हैं और सॉल्यूशन में रखने इसके बेसिस इस पर, तो पर क्या कह सकते हैं प्लाज्मिड ए का सबसे ज्यादा नजदीकी प्लाज्मिड कौन सा है बताओ अब डायग्राम के हिसाब से विच इज मोस्ट सिमिलर प्लाज्मिड टू द प्लाज प्लाज्मिड ऑब्वियसली बी और कौन सा प्लाजमिड इन चारों में से सबसे अलग तरीके ए से सबसे अलग तरीके का प्लाज्मिड कौन सा है वेरी गुड काजल वंशिका सबसे अलग तरीके का सी सबसे अलग तरीके का सी कैसे सी में तो फिर भी दो समानता है डी डी में तो कुछ आया ही नहीं यानी वो इतना अलग था कि एक भी बैंड वहां पर अपेयर नहीं हुआ वेरी गुड नजेश शुभम निकिता काजल आस्था भी समझ में आ गया ना बात यहां तक तो यहां पर हमने क्या किया डीएनए था हमारा टारगेट बेसिकली वो प्लाज्मिड डीएनए था कौन सा था प्लाज्मिड डीएनए हमारा टारगेट था और प्रोब वाज अगेन यूनिक सीक्वेंस ऑफ प्लाज्मिड ए ठीक है यूनिक हम कह सकते हैं डीएनए सीक्वेंस ऑफ प्लाज्मा तो यहां पर क्या हुआ डीएनए का डीएनए के साथ ही हाइब्रिडाइजेशन हुआ दिस इज कॉल्ड सदन हाइब्रिडाइजेशन श्रिया हो सकता है ना कुछ सिमिलरिटी हो ये बात हुई कि ह्यूमन स्पेसिफिक प्रोब है क्या चिंपैंजी के जीनों में कहीं हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता श्रिया तो चार प्लाज्मिड की वजह मान लो कि ह्यूमन से डीएनए आइसोलेट किया से आइसोलेट किया गोरिला से आइसोलेट किया और मंकी से आइसोलेट किया या मान घोड़े से आइसोलेट किया और ह्यूमन का प्रोब इस्तेमाल किया तो ह्यूमन का प्रोब ह्यूमन के साथ तो सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइज होगा और घोड़े के जीनोम के साथ सबसे कम हाइब्रिडाइज होगा बात समझ में आ रही ना ओके okay, श्रेया वंशिका आर यू गेटिंग दिस तो

ठीक है वापस स्टेप्स में याद दिला दूं अगर स्टेप्स भूल गए हो तो काम की बात है सबसे पहले हमने क्या की थी एग्रोस जेल एग्रोजेलोफ्रेसिस की थी ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने किया था ट्रांसफर टू ट्रांसफर टू नाइट्रो सेलुलोज शीट फिर तीसरा स्टेप हमने किया था हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब डीएनए और चौथा स्टेप हमने किया है दोग्राफी ठीक है यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ये चार स्टेप्स हमने फॉलो की है अब तक डायरेक्ट प्रोब ऐड कर देंगे तो वंशी का वो जेल के अंदर एंटर कैसे होगा हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए ना तो एनकाउंटर करने के लिए खुले मैदान में तो लाना पड़ेगा ना डीएनए को वो जंगलों में छुपा हुआ होगा तो कैसे शूट करेंगे उसको ठीक है से ना तो एनकाउंटर करने के लिए उसको हमने जंगल में से बाहर निकाला बाहर आ तू और फिर हमने गोलियां बरसाना शुरू की जो हमारा टारगेट था वो मर गया उसके साथ हाइब्रेडाइज हो गया वॉट इट RFLP तो एक एग्जाम्पल के तौर पर डीएनए एल पी था वो सीधा कर कर, सीधा डीएनए को रन नहीं कर देता। उस को कर कर, हमने से कट किया और, और प्लाज्मिड का देख एग्जाम्पल का एग्जाम्पल ले लो कहीं से भी डीएनए को आइसोलेट करो ठीक है चलो आप समझ में आ गया वंशिका को ओके बेटा तो समझ में आ गया ना कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले हमें क्या करना चाहिए सिंगल डीएनए करना पड़ेगा ऐड हुआ होता है अगर होगा, तो अल्कलाइन कंडीशन होगी और अल्कलाइन कंडीशन से क्या, -क्या जा सकता है डीनेचुरेशन कराया जा सकता है आगे बात करते हैं चलो तो फिल्म को डेवलप करेंगे और डेवलप करने पर हम क्या कहेंगे ए एंड प्लाज्मिट बी आर वेरी सिमिलर एंड प्लाज्म डी इज अनिलटेड ए और प्लाजमिड की बजाय हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर चार अलग-अलग स्पीशीज का डीएनए ले सकते थे और हम कह सकते थे कि स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी आ, आर वेरी सिमिलर वेल स्पीशीज डी है वो सबसे ज्यादा दूर है क्लियर है यहां तक बात आगे चलें अब इसके क्या-क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं ना हमने तो एक एप्लीकेशन पढ़ी इसके क्या-क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं सडन हाइब्रिडाइजेशन के पहला इट मे बी आइडेंटिफिकेशन एंड क्लोनिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं पता कैसे सकते हम कोई जीन को खोजना चाहते हैं उसकी खूब सारी कॉपीज बनाना चाहते हैं क्लोनिंग का मतलब क्या करना चाहते हैं हम खूब सारी कॉपीज की हमारे पास ये कोई जीन आ जाए फिर उस जीन को हम किसी प्लाज्मिड के अंदर डाल देंगे और इस प्लाज्मिड में डालने के बाद हम क्या करेंगे इसकी खूब सारी कॉपीज बना देंगे क्या बनाएंगे इस जीन की हम मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे पर मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए ना कि आइडेंटिफाई करें कि वो मौजूद है नहीं तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे वी वी मस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन विल सम काइंड ऑफ प्रोब डीएनए जो कि हाइब्रिडाइज किया जाएगा उस जीनोम के साथ जीनोम में मौजूद होगा तो प्रोब वहां पर जाकर हाइब्रिडाइज होगा है ना तो जीनोम हमने आइसोलेट किया जीनोम को आइसोलेट करने के बाद एग्रोजेलोफोरसिस की इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद हमने उसको नाइड्रोसिलोश पर ट्रांसफर किया और उन अब नाइटोसलोर शीट पर ट्रांसफर करने के बाद प्रोब डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज कराते हैं अगर वहां पर वह हमारा डिजायर्ड जीन मौजूद है तो प्रोब उसके साथ जरूर जाकर हाइब्रिडाइज होगा तो पहला एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लोनिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट दूसरा कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट जो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पोलिमोर्फिज एनालिस इसमें हमने क्या किया था आर एल पी क्यों करते हैं तो आर एल पी इज टू एस्टेब्लिश क्यों करते हैं हम टू इस्टेब्लिश सिमिलरिटी और जेनेटिक रिलेटेडनेस कि कौन से जैसे हमारे हमारा एग्जाम्पल यही था कि हमने ये

कि भाई बच्चा चार तीन बच्चे हैं या मान लें कि एक्वस चाइल्ड 1 है चाइल्ड 2 है चाइल्ड 3 इसमें से पैरेंट 1 और पैरेंट 2 का कौन सा बच्चा है मतलब तीनों बच्चे खो गए बहुत पैदा होती और हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से पैरेंट 1 और पैरेंट 2 के बच्चे कौन से हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे पैरेंट 1 पैरेंट 2 स्पेसिफिक प्रोब लेंगे इसके स्पेसिफिक हम क्या लेंगे प्रोब लेंगे और इस प्रोब को हाइब्रिडाइज़ करेंगे चाइल्ड वन के साथ चाइल्ड टू के साथ चाइल्ड थ्री के साथ जिसके साथ सबसे ज्यादा प्रो हाइब्रिडाइज़ेशन होता है उसे पता ये इनका बच्चा है। क्लियर क्लियर यहां तक बात यहां तक तो क्लियर ओके okay. आगे बात करते हैं अब हम देन अगला जो इसका एम हो सकता है सदन हाइब्रिडाइजेशन का इज टू आइडेंटिफाई म्यूटेशन और अ जीन रीअरेंजमेंट क्योंकि म्यूटेशन हो गया तो प्रोब मे नॉट हाइब्रेडाइज म्यूटेशन का मतलब डीएनए की सीक्वेंस में चेंज होना और सीक्वेंस में चेंज हो गया तो प्रोबाइबडाइज नहीं होगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहां पर कहीं पर म्यूटेशन है या जीन में रीअरेंजमेंट हो, हो, हो गया है यानी जीन कट गया है डिलीशन हो गया है या जीन का इन्वर्शन हो गया है हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी वह भी इसमें पता किया जा सकता है ओके okay? क्लियर यहां तक बात आगे चलें ओके वंशी इट इज इट कु यूटिलाइज टू आइडेंटिफाई एन इन्फेक्श एजेंट विच इज हैविंग अ डीएनएस जीरोम तो कई सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका डीएनए जीनोम होता है तो यहां पर क्या वी विल यूज सर्टेन वायरस स्पेसिफिक वायरस स्पेसिफिक प्रोब्स का इस्तेमाल करेंगे ठीक है सो पर्टिकुलर सपोज एड वायरस है या नहीं पर्टिकुलर या हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस है नहीं तो वायरस को आइसोलेट करो अगर हेपेटाइटिस बी वायरस है तो उसके साथ हेपेटाइटिस बी वायरस का स्पेसिफिक रूप जाकर हाइब्रिडाइज़ हो जाएगा ओके सो दीज आर सम ऑफ सदन हाइब्रिडाइज अब बिल्कुल सदन हाइब्रिडाइजेशन की तरह यादन ब्लॉटिंग की तरह ही दूसरी टेक्निक है बस थोड़ा सा स्टार्टिंग मटेरियल क्या है वह वेरिएबल है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग बेसिकली आरएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है या आरएनए आरएनए हो सकता है या आरएनए के साथ डीएनए कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन मोर एगोरली आरएनए डीएनए ए डीएनए कह बेटर है क्योंकि आरएनए दूसरा हम आरएनए क्यों लें आरएनए अनस्टेबल होता है तो आरएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है हमारा यानी कुल मिलाकर बात यह है कि टारगेट इस बार क्या होगा आरएनए और जो प्रोब होगा वह क्या होगा हमारा डीएनए ध्यान रखना ठीक है ओके यस एल्विन कैंप एंड स्टार्क ने नॉर्डन ब्लॉट दी थी ठीक है किसने दी थी एलविन ने पर क्योंकि डीएनए के लिए सदन ब्लॉट दिया हुआ था इसलिए इनका उन्होंने नाम दिया नॉर्दर्न ब्लॉट ठीक है तो एलविन प्रपोज दिस नॉर्दर्न ब्लॉटिंग अप्रोच सेम अप्रोच है नाम उस, उनका हो गया बस करना क्या था उन्होंने सबसे पहले डीएनए की बजाय आर को आइसोलेट किया तो स्पेसिफिक आर मौजूद है नहीं उसको पता पूरी भीड़ आर की खूब सारी भीड़ है उसमें कोई टारगेट आर मौजूद है या नहीं उसको पता करने के लिए हमने नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस बहुत है। इस बार हमारे पास डीएनए मिक्सचर नहीं होगा बल्कि आरएनए मिक्सचर होगा आरएनए मिक्सचर को हम जेल के ऊपर सेपरेट करेंगे ऑब्वियसली तो साइज के हिसाब से जेल के ऊपर डिफरेंट आरएनए के फ्रेग्मेंट्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे डिफरेंट फ्रेग्मेंट्स से वो सेपरेट हो जाएंगे फिर उनको हम ट्रांसफर करेंगे नाइट्रो शीट के ऊपर और फिर हम

RNA को आइसोलेट करते हैं तो ये पूरा आर एन ए को आइसोलेट करने का प्रोटोकॉल है उससे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है तो सेल को क्रश करेंगे उसमें क्लोरोफॉर्म डालेंगे, डालेंगे, आइसोप्रोपेनॉल एक्सट्रैक्शन बफर डालेंगे और फाइनली हमारे पास क्या आ गया आर एन इसमें इस क्या मौजूद है आर एन पैलेट था इस को हमने वापस टी बफर में डाला अब हमारे पास टोटल आर एन ए मौजूद है अब ये जो टोटल आर एन है इसमें से हो सकता है आपको एक पर्टिकुलर तरीके के एम आर एन ए में इंटरेस्ट हो फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरेस्ट हो मैसेंजर आर एन ए में कि एक पर्टिकुलर तरीके का मैसेंजर आर एन ए है या नहीं तो इटिक मैसेंजर आर एन ए उन सबके अंदर एक कॉमन बात होती है कि फाइव प्राइम एंड और थ्री प्राइम एंड पर क्या होता है पॉली ए टेल होती है थ्री प्राइम एंड पर क्या होती है दोस्तों पॉली ए टेल तो अब हम क्या कर सकते हैं बिल्कुल बैंड होगा है ना डीएनए प्रोब आरएनए के साथ क्यों नहीं बैंड होगा ए के सामने टी होना चाहिए सी के सामने जी होना चाहिए यू के सामने है ना बॉन्डिंग शुगर्स की वजह से नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजनस बेस की वजह से होती है ओके तो टोटल आर में तो आर आर भी हो सकता है टी आर भी हो सकता है और एम आर भी हो सकता है हमें सिर्फ एम आर को सपोज सेपरेट आउट करना है तो सभी एम आर एन एटिक के अंदर थ्री प्राइम पर पॉली ए टेल होती है अब हम एक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम लिगैंड की तरह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं पॉली ए के लिए पॉली टी यानी जो एफिनिटी बीड हो उसके ऊपर क्या लगा हुआ पॉली टी लगा हुआ हो तो हमारे एमआरएनए तो यहां पर हाइब्रिडाइज हो जाएंगे बाकी सारी चीजें को आरएनए को इल्यूट आउट किया जा सकता है और फाइनली यहां से एमआरएनए को भी सेपरेट आउट किया जा सकता है ओके सो so, कुल मिलाकर अगर कोई यूक्यूरिटिक एमआरए है तो उसको प्योरीफाई करने के लिए हम क्या ले सकते हैं ओलिगोडीटी सेल्लोस कॉलम ले सकते हैं जो कि एक प्रकार की एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है ठीक है बस यहां पर सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि वी आर डीलिंग विद एन आर एन और हम चाहते हैं कि आर एन ए हमेशा इस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड स्टेट बनाए रखे इस तरीके की स्टेट बनाए रखे ऐसी स्टेट बनाए रखे कहीं आर एन गलती से ऐसी स्थिति में ना चला जाए ऐसे जगह जाए क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में चला गया तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए तैयार नहीं रहेगा हमेशा हम इस तरह की कंडीशन रखते हैं और इस तरह की कंडीशन को रखने के लिए चाहे आइसोलेट कर कर इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे कॉलम से प्यूरीफाई भी करेंगे तो उस दौरान हमेशा साथ में क्या रखेंगे कोशिश करें कि इसके अंदर आप या तो पीएच को ज्यादा करके रखें या यूरिया को रखें फॉरमबाइड को रखें ऐसा करने पर क्या है ये यानी कुल मिलाकर डी नेचुर कंडीशन रखें ताकि आर ए कहीं पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना बनाए ओके क्लियर यहां तक बात पूरे प्रोटोकॉल के दौरान आरएनए किस फॉर्म में रहना चाहिए इस फॉर्म में रहना चाहिए ठीक है शिवराज आगे बात करें ओके अब हम जैसे फॉर्मिल की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं ताकि जितने भी एमआरएनए अपनी साइज के हिसाब से सेपरेट आउट हो सके तो इस जितने भी आरएनए हैं आरएनए सारे सारे साइज के हिसाब से सेपरेट आउट हो गए इसके ऊपर है एग्रोस जेल के ऊपर अब जैसे कि जेल के ऊपर हम हाइब्रिडाइजेशन तो कर नहीं सकते तो अगली स्टेप क्या होगी जेल से इन जितने भी मैसेंजर आर हैं इन मैसेंजर आर एन ए को ट्रांसफर करना नाइट्रोसेलो शीट पर ओके okay? तो अब हम अब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं हम नाइट्रोसेलो शीट पर तो पहला स्टेप आरएनए का आइसोलेशन दूसरा स्टेप प्यूरिफाई अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आर एन ए इन विच यू आर इंटरेस्टेड उन भीड़ को जो हमने प्यूरिफाई किया खूब तरीके एमआरएन है उन एमआरएनए को एग्रोजेल फ्रोसिस से इस्तेमाल सेपरेट आउट किया ध्यान रखना इस बार एग्रोस जेल फोरे कैसे कर रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं एग्रोस एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फोरेसिस अंडर अंडर डी अंडर डी नेचुरेटिंग कंडीशंस ठीक है एग्रोस जेलिस अंडर डी नेचुरटिंग कंडीशन श्रेया सर जवाब मिल गया होगा अब आपको कोई बताएगा श्रेया का जवाब क्वेश्चन का श्रेया कह रही फॉर्मल क्यों यूज किया विकास रागिनी ओके तो फॉर्मिल यूरिया फॉर्मिल ईपीएचार्मोहमाइड इन सब का काम क्या है डी नेचुर कंडीशन को मेंटेन करके रखे ताकि आर एन ए अपनी साइज के हिसाब से सिंगल स्टैंड फॉर्म में सेपरेट आउट किया जा सके चलो आगे बात करते हैं अब हम अब अगला स्टेप आर एन ए तो आ गए इन आरएनए को हम ट्रांसफर करेंगे टू द शीट और शीट के इस्तेमाल करने के बाद हम क्या करेंगे वी विल यूटिलाइज अ सम काइंड ऑफ प्रोब प्रोब अगर टारगेट एम आर ए में कहीं पर मौजूद है तो हाइब्रिडाइज होगा और हाइब्रिडाइज होगा तो बैंड आ जाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ऑटो रेडियोग्राफी सो आगे के स्टेप्स बिल्कुल सिमिलर है कि ट्रांसफर टू अ शीट फिर हाइब्रिडाइजेशन विद अ प्रोब एंड देन फॉलोड बाय ऑटो रेडियो समझ में आ गया अब तक बात आरएनए को आइसोलेट करो पर्टिकुलर तरीके आरएनए की डीनेचुरटिंग कंडीशन में लैक्टोफोरेसिस करो उसको नाइट्रो शीट पर ट्रांसफर करो प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज करो और अगर प्रोब रेडियो एक्टिव है तो उसका क्या करो ऑटो रेडियोग्राफी अब क्या बेसिकली आरएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन किया प्रोच है? तो इसके इस्तेमाल क्या क्या हो सकते हैं तो पहला इस्तेमाल हो सकता है दोस्तों ध्यान से देखना स्टडी स्टडी करना करना पहला हो सकता है कि हमें करना कि हमें कौन सा कैंसर सेल है कौन सा नॉर्मल सेल है कि हो सकता है जैसे कि कोई इस डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हो इसमें इसके अंदर दोस्तों क्या बता रखा है इसके अंदर कि नॉर्मल सेल एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर उसके अंदर हमारे पास RNA के दो बैंड बन रहे हैं नॉर्मल सेल में सिर्फ 10.5 पॉइंट फाइव के बी का बैंड सबसे पर जो कैंसर सेल्स से है नॉर्मल तो वाला टेन पॉइंट के बी का तो नॉर्मल सेल है अगर एक एम गड़बड़ वाला भी बन रहा है छोटी साइज वाला भी बन रहा है तो इससे समझ में आ जाएगा कि वो नॉर्मल सेल की वजह कैसा है कैंसर सेल है ठीक है जैसे और भी कई सारे कि नॉर्मल सेल में एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का जीन बहुत कम एक्सप्रेस होता है कैंसर सेल में एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का जीन बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर का जीन भी नॉर्मल सेल में बहुत कम एक्सप्रेसर सेल है उसमें बहुत तेजी से एक्सप्रेस होता है तो सेवन एस आर आर ए का जीन नॉर्मल सेल में ज्यादा एक्सप्रेस होता है कैंसर सेल्स में कंपेरिटिव उसका एक्सप्रेशन कम होता है ठीक है एक्सप्रेशन आर एन ए लेवल पर चेक किया जा सकता है तो कुछ पर्टिकुलर जीन से RNA बहुत ज्यादा बन रहे हैं जैसे कि एपडल ग्रोथ फैक्टर का आरएनए बहुत ज्यादा बन रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर का आरएनए ज्यादा बन रहा है या जैसे कि आप देख सकते हैं म्यूटेंट फॉर्म ऑफ एपडल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर का आरएनए का बैंड आ रहा है इससे हम पता क्या कर सकते हैं कि कौन सा नॉर्मल सेल है कौन सा कैंसर सेल है डिफरेंट टिश्यूज में भी आर का अलग अलग लेवल का एक्सप्रेशन होता है अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज पर आर का अलग अलग एक्सप्रेशन होता है मतलब हर समय एनवायरमेंटल हर स्ट्रेस होगा तो कौन से भी नॉर्मल कंडीशन और पैथोजन इंफेक्शन में भी डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन होता है सो so, यहां पर हम क्या कर रहे हैं तो कंपेरेटिव स्टडी किसकी कर रहे हैं ध्यान रखना कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंशियल डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्ट लेवल किस लेवल पर ट्रांसक्रिप्ट लेवल पर ट्रांसक्रिप्ट का मतलब आरएनए आरएनए लेवल पर तो पहला काम कि सेल ए और सेल बी एक नॉर्मल हो सकता है कैंसर हो सकता है एक नॉर्मल हो सकता है एक स्ट्रेस कंडीशन हो सकता है एक नॉर्मल एम्ब्रियो का हो सकता है एक नॉर्मल एडल्ट का सेल हो सकता है उनमें किस तरीके का डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है ये बात समझ में आई क्या यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ओके चलो आगे बात करते हैं दूसरा इसका एम हो सकता है लेवल ऑफ एक्सप्रेशन कि सपोज कोई ड्रग का ट्रीटमेंट दिया उसके बाद आर की लेवल एक्सप्रेशन लेवल पर कोई फर्क आया या नहीं आया ठीक है सो so, सपोज हमने एक ड्रग दी और ड्रग देने के बाद बाकी जगह पर तो कोई फर्क नहीं पर एक पर्टिकुलर तरीके का आरएनए में पहले ऐसा बैंड आ रहा है फिर कुछ इस तरीके का बैंड आ रहा है और फिर इस तरीके का कुछ बैंड आ रहा है आपको क्या लग रहा है कि ड्रग देने के बाद जीन एक्सप्रेशन पर फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है यानी कोई एक जीन ए है और जीन ए से ये आपके एम आर ए बन रहे हैं आप बताओ कि इस ड्रग को एक्सपोज करने के बाद उसके दो घंटे के बाद क्या एक्सप्रेशन लेवल में फर्क पड़ रहा है हाई हो गया पड़ रहा है ना तो ये हम कैसे कि लेवल ऑफ एक्सप्रेशन में आपने कोई ड्रग दी डोज दी और ड्रग डोज देने के बाद आप ये देख रहे हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर टारगेट जीन है उसका एक्सप्रेशन लेवल बढ़ा या नहीं बढ़ा तो बढ़ने के लिए हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ओके रागिनी ऋषि सोनल शांतनु वंशिका

ऐसे आर एन जिन फाइव प्राइम कैप भी लगे हुई हो पॉली ए टेल भी लगे हुई हो तो जनरली स्टेबल होते हैं पॉली ए टेल छोटी हो गई हो हो गई प्राइम कैप हट चुकी हो, तो ऐसे आर एन ए डिग्रेड हो जाते हैं तो कुछ आर एन ए दस मिनट के लिए रहते हैं कुछ आर एन ए एक घंटे के लिए रह सकते हैं कुछ घंटे आर एन ए दो घंटे तक भी वहां पर अपना समय बिता सकते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई एम आर एन ए जिसकी मिथाइल मतलब फाइव प्राइम कैप है जीएफपी का आरएनए समय के साथ-साथ उसका लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है तो आप देख रहे हैं कि वह घट रहा है इवन एसआरपी का एमआरएनए अब मुझे ये बताओ कि एसआरपी का एमआरएनए ज्यादा स्टेबल है या जीएफपी का एमआरएनए ज्यादा स्टेबल है इस डायग्राम के हिसाब से ऑब्वियसली एसआरपी देखो आप उसके लेवल पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है जबकि जो जीएपी का एमआरएनए है उसका लेवल तेजी से कट रहा है तो हाफ लाइफ भी पता कर सकते हैं हाफ लाइफ क्या हुई तो हाफ लाइफ इज हाफ लाइफ क्या होगी टाइम ड्यूरेशन टाइम इन विच ड्यूरेशन ऑफ ओरिजिनल ओरिजिनल एम आर एन ए कंसंट्रेशन रिड्यूसेस टू हाफ जो भी टोटल एमआरए था उसकी कंसेंट्रेशन सौ प्रतिशत से पचास प्रतिशत होने में जो समय लगा उसे हम कहेंगे हाफ लाइफ इस तरह से आप देख रहे हैं यहां पर कई थ्री कंडीशन है मतलब एल सी और एस आर पी को कंपेयर किया एल सी म्यूटेंट जीएफ पी और एस आर पी को कंपेयर किया एल सी जीएफ पी एच डी वी लॉन्ग और एस आर पी को कंपेयर किया हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीएफपी को कंपेयर किया और देखा कि उनकी हाफ लाइफ में या उनकी स्टेबिलिटी पर क्या फर्क आ रहा है तो हमें अभी ज्यादा इतने डिटेल में जाने की जरूरत है सिर्फ इतना सा कि आप

न हो सकता है फिर कोई एक्सॉन टू हो सकता है एक्सॉन थ्री हो सकता है और एक्सॉन फोर हो सकता है सो दीज आर द डिफरेंट एक्सॉन्स और एग्जॉन के बीच में क्या होता है वो भी आपको पता है ना एक्स के बीच में होता है इंटरवीनिंग इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस सीक्वेंसेस तो चलो मैं intervening sequences के लिए एक अलग ये इंट्रॉन्स है दीज आर द इंट्रॉन्स अब जब नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है जब नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है तो उस दौरान क्या होता है नॉर्मल प्रोसेसिंग के अंदर एक्न वन के साथ टू के साथ थ्री और थ्री के साथ फोर जुड़ा हुआ होना चाहिए फिर पॉली ए टेल लगनी चाहिए इंट्रॉन सारे सारे हट जाने चाहिए ठीक है अंत तक बात पर अल्टरनेटिव ऐसी भी हो सकती है कि सेम थ्री, थ्री के बाद सीधा फोर आ गया बीच वाला टू वाला उड़ गया या ऐसा भी हो सकता है कि वन के साथ टू आया टू के साथ फोर आया थ्री वाला बीच में से गायब हो गया तो इसे हम इन कंडीशंस के लिए क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे कि सेम एमआरएनए अल्टरनेटिव स्प्लाइस हुआ अल्टर उसमें क्या हुई, Alter, क्या हुई है alternative splicing. So, alternative splicing हुई या नहीं हुई उसको भी हम चेक कर सकते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होगी तो उसकी साइज थोड़ी छोटी हो जाएगी क्योंकि बीच में से कुछ इंट्रॉन है वह गायब होगा होना क्या चाहिए एक्सॉन वन एक्जोन टू एक्जोन थ्री और एग्जॉन फोर इनको आपस में स्प्लाइस होना चाहिए पर उसकी बजाय हो सकता है वन टू और फोर जुड़ जाए या वन थ्री और फोर जुड़ जाए जैसे कि आप देख सकते हो कि एमआर फ्रॉम अ नर्व सेल वो वन के अंदर है है ना नर्व सेल वाला हमारा वन के अंदर है सेम जीन से हमने किडनी सेल के अंदर एमआर ने वो पता किया तो बैंड ही नहीं आया स्प्लीन सेल से पता किया तो बैंड आया और मसल सेल्स में पता किया तो दो बैंड आए अब मेरा प्रश्न आपसे ध्यान से सुनना कि नॉर्मल स्प्लाइसिंग किस सेल में हुई नॉर्मल स्प्लाइसिंग किस सेल में हुई है, आपके हिसाब से वन के अंदर क्योंकि नॉर्मल स्प्लाइसिंग तो सबसे बड़ी साइज का बनेगा किस सेल में जीन एक्सप्रेस ही नहीं हुआ है ना हम जिस जीन हम कोई जीन एक्स के एक्सप्रेशन की बात जीन एक्स किस सेल में एक्सप्रेस ही नहीं हुआ सेकंड के अंदर वेरी गुड किडनी में वो एक्सप्रेस नहीं हुआ स्प्लाइसिंग तो छोड़ो एक्सप्रेसिंग ही नहीं हुआ किस सेल में अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हुई कोई पूछे तो किस सेल में अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हुई थर्ड में नहीं हुई सब फोर्थ तो कह रहे हो थर्ड में नहीं हुई कि अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग यस अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग थर्ड में हुई और फोर्थ में भी हुई अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग सेल में नॉर्मल स्प्लाइसिंग और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग दोनों हुई जिसमें नॉर्मल स्प्लाइसिंग भी चल रही है और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी चल रही है तो यहां पर नॉर्मल स्प्लाइसिंग भी हो रही है देखो नॉर्मल भी वाला बन रहा है और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी बन रहा है पास में आगे ना तो नॉर्मल स्प्लाइसिंग हो रही है नर्व सेल में किडनी में तो एक्सप्रेस एक्सप्लाइसिंग स्प्लीन के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस उसे की अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो रही है और मसल्स के पास नॉर्मल स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग हो रही है, है यानी मसल्स में सेम जीन से दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनेंगे गॉट दिस सबम चंबल विकास सोनल निकिता श्रेया वंशिका ऋषि राकेश ईशिता प्रखर सबको समझ में आ रहा है तो चौथा हमारा क्या मकसद हो गया इससे हम अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को पता कर सकते हैं वेरी गुड बच्चा ओके okay. तो कंसेप्ट बहुत सिंपल सा था कि एम आर अगर आपके पास नॉर्मल स्प्लाइसिंग हुई तो सबसे बड़ी साइज का बनेगा उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक एक्सॉन एक, एक उदाहरण के लिए उसको और समझने के हिसाब से इस तरीके से बात कर लेते हैं

तो हम पता कर सकते हैं कि किस सेल में नॉर्मल स्प्लाइसिंग हो रही है किस सेल के अंदर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो रही है और ऐसा कौन सा सेल है जिसमें नॉर्मल और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग दोनों चीजें देखने को मिल रही ओके okay, वंशिका प्रखर रिया आगे बात करें चाला। अब हम बात कर रहे हैं तीसरा ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में दैट इज द वेस्टर्न ब्लॉट वेस्टर्न ब्लॉट वेस्टर्न ब्लॉट बेसिकली ध्यान रखना दोस्तों दिस इज अनोदर अप्रोच टू स्टडी द प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन वेस्टर्न ब्लॉट किसके लिए है प्रोटीन ध्यान रखना प्रोटीन प्रोटीन और दूसरा प्रोटीन है वह एंटीबॉडी होती है प्रोटीन प्रोटीन हाइब्रिडाइजेशन की एक टेक्निक है ठीक है इट इज यूज टू आइडेंटीफाई स्पेसिफिक अब हम भीड़ में पहले हमने डीएनए को ढूंढा था फिर हमने भीड़ में से एक आर को ढूंढा था अब पूरी भीड़ भाड़ में से हमारा कोई पसंदीदा फेवरेट टारगेट प्रोटीन मौजूद है या नहीं उसको पता करने के लिए अब हम टेक्निक का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं और पहचानने के लिए प्रोब की तरह क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों प्रोब वुड भी अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोब वुड भी नाउ स्पेसिफिक एंटीबॉडी अरे वाह वंशिका नील बर्नेटी ने इसको पता किया क्या बात है नील बर्नेटी ठीक है तो क्योंकि नौदन किसके लिए दिया जा सदन किसके लिए दिया जा चुका है डीएनए के लिए तो नौदन किसके लिए है आरएनए के लिए वेस्टर्न किसके लिए है प्रोटीन के लिए है, के लिए. के लिए है? के लिए, ना तो एस एन डब्ल्यू हम पढ़ चुके हैं ठीक है ये हमने डीएनए के लिए पढ़ा है ये हमने आरएनए के लिए पढ़ा है और ये हमने प्रोटीन के लिए पढ़ा है आप ऐसे भी ले सकते हैं स्नो ड्रॉप ये ओ मैं मेरी मर्जी से लगा रहा हूं ओ ओ स्नो ड्रॉप अब तक जो पढ़ा उसके साथ बर्फ की बूंद स्नो ड्रॉप आएंगे अभी चलो आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं ठीक है तो वेस्टर्न ब्लॉट के बारे में बात किया हमने आगे ईस्टर्न के बारे में बात करेंगे टेंशन मत लेना ना, ना। खूब सारी बातें करेंगे तो अब यहां पर सबसे पहले इस बार आरएनए सैंपल नहीं होगा हमारे पास क्या होगा प्रोटीन सैंपल होगा और प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब इस बार आप क्या कर सकते हो एसडीएस पेज करेंगे ठीक है सपोज तो हमारे पास से प्रोटीन सैंपल्स से हैं अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर उन प्रोटीन सैंपल्स का हमने क्या किया एसडीएस पेज किया जो सैंपल वन है सैंपल टू है सैंपल थ्री है इसको हमने लोड किया माइनस से प्लस की तरफ उनको माइग्रेट कराया प्रोटीन है वो मॉलिकुलर वेट के हिसाब से सेपरेट आउट हो गया क्योंकि आपको पता ही है कल हम पढ़ चुके हैं कि एसडीएस क्या करता है यूनिफॉर्म उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है तो मार्कर के कंपेरिजन में जितने भी प्रोटीन हैं वह माइग्रेट हो गए अब हमें ये पता करना है कि इस पूरी भीड़ भाड़ में क्या हमारा कोई डिजायर्ड प्रोटीन मौजूद है या नहीं तो जासूसी करने के लिए इस बार वापस किसी प्रोब को बेचेंगे पर प्रोब को जासूसी करने के लिए तब भी सकते हैं तब जब पहले फॉरेस्ट से प्रोटीन को बाहर निकालेंगे तुम पहले बाहर तो आओ फिर तो हमारा हम कहेंगे कि चलो पहचानो इनमें से तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है या नहीं ठीक है तो पुलिस वाले भी क्या करते हैं चोरों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर कर लेकर आते हैं और फिर कहते हैं चलो पहचानो रिकॉग्नाइज दैम तो रिकॉग्नाइज जो कर रहा है वो प्रोब है वो हाँ भर देगा अगर किसी को पहचानेगा तो आगे देखते हैं कैसे तो अब हम क्या करेंगे पॉलीएक्रिलेमाइड जेल से ट्रांसफर करेंगे ऑन टू द नाइट्रोसेलुलोज शीट ओके सो प्रोटीन का ट्रांसफर होगा तो वापस वही है कि जेल से ट्रांसफर हमें किसके कर ऊपर करना है नाइट्रोसेलुलोज शीट के ऊपर सिंपल सा तरीका हम पढ़ ही चुके हैं कि हमारे पास प्रोटीन सेपरेटेड है प्रोटीन सेपरेटेड के ऊपर हमने यहाँ पर ये जेल रखी जेल के ऊपर ये शीट रखी है शीट के ऊपर ये फिल्टर पेपर रखा है और ऐसा करने पर दोस्तों जब जैसे जैसे बफर ऊपर की तरफ जाएगा तो प्रोटीन जितने भी होंगे वह सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे फ्रॉम द पोलियक्रमड जेल टू द नाइट्रोसेलो शीट यहां तक मैकेनिज्म में कोई फर्क नहीं है सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल है वो आपका प्रोटीन हो गया और प्रोटीन के हमने एसडीएस पेज किए दोस्तों इसको ट्रांसफर को फास्ट करने के लिए इसको फास्ट करने के लिए कैपिलरी एक्शन की वजह हम इलेक्ट्रोफोरेटिक ट्रांसफर भी कर सकते हैं हम ये चाहते हैं ना कि जेल से जो प्रोटीन है वो तेजी से नाइट्रोसलोस शीट पर चला जाए फटाक से इधर से इधर जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको एक इलेक्ट्रोफोरेटिक कैसेट में रख सकते हैं जेल जेल के उधर शीट और उसके अलावा दोनों तरफ हम कुछ ब्लॉटिंग पेपर है वो लगा सकते हैं कुछ इस तरह की कंडीशन यहां पर आपने स्पॉन्ज रखा फिल्टर पेपर रखा फिर यहां पर मेम्ब्रेन रखी फिर ये जेल है फिर वापस फिल्टर पेपर रखा फिर स्पॉन्ज रखा ताकि जैसे करंट फ्लो हो तो तेजी से प्रोटीन को नाइट्रोसे के ऊपर ट्रांसफर किया जाए तो इस तरीके से हमने कैसेट रख दी कि यहां पर हमने बीच में ये देखो जेल है जेल के बाद ये आपका शीट है फिर इधर की तरफ भी हमारा फिल्टर पेपर्स है इधर की तरफ भी फिल्टर पेपर्स है ठीक है तो अब हमें जेल टू मेम्ब्रेन ट्रांसफर कर सकते हैं और हमें पता है हमारा प्रोटीन सारे सारे कैसे नेगेटिवली रिचार्ज है तो इस तरीके से हम रख सकते हैं कि ट्रांसफर बफर रखा ट्रांसफर बफर में मिथेनॉल रखते हैं ताकि प्रोटीन आसानी से ट्रांसफर हो एब्सॉर्ब हो

कम समय में ट्रांसफर किए जा सकते हैं टू द शीट और इस बफर के अंदर तो मिथिनोल इस्तेमाल किया जाता है का ट्रांसफर इस्तेमाल किया जाता है 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 इसका कारण कारण यह यह कि मदद करता करता हेल्प प्रोटीन को मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होने में शीट के साथ बाइंड होने में तो सारे प्रोटीन हमारे पास आ गए मेम्ब्रेन के ऊपर तो सारे प्रोटीन आ गए मेम्ब्रेन के ऊपर अब हम ये चाहते हैं कि बाकी जहां पर प्रोटीन नहीं है उस जगह पर उसको ब्लॉक कर दिया जाए ताकि एंटीबॉडी कहीं ऐसा नहीं हो कि इस जगह पर आकर बाइंड हो जाए हम नहीं चाहते कि एंटीबॉडी क्योंकि एंटीबॉडी भी तो एक प्रोटीन है पता चला वो नट नट्सलो शीट पर यहां पर आकर बाइंड होगी तो हम चाहते हैं कि इस जगह पर वो बाइंड ना हो तो हम क्या करते हैं ब्लॉकिंग करते हैं ब्लॉकिंग का मतलब कोई एक ऐसा प्रोटीन इस्तेमाल कर देते हैं जो पूरे एरिया को कवर कर दे मतलब ऐसा कोई प्रोटीन जो पूरे एरिया को ऐसे कवर कर ले ऐसे मैं दिखा तो नहीं रहा हूँ पर ये मान लो ये कोई हमने एल्बुबिन प्रोटीन इस्तेमाल किया जो नॉन डिजर्ट प्रोटीन है उसने क्या किया पूरे बाकी एरिया को कवर कर दिया जहां पर शीट के ऊपर प्रोटीन बाउंड नहीं है वहां पर हमने कोई एक ब्लॉकिंग प्रोटीन बाइंड करा दिया ताकि एंटीबॉडी गलती से वहां पर बाइंड ना हो खाली जगह को भर दिया कुल मिलाकर ये मान लो तो जहां पर पहले से प्रोटीन है वहां पर तो हमारा एल्बुमिन प्रोटीन बाइंड होगा नहीं बाकी सब जगहों पर एल्बुमिन प्रोटीन को हमने बाइंड करा दिया क्लियर ताकि एंटीबॉडी गलती से खाली जगह पर जाकर बाइंड नहीं हो जाए क्लियर तो हमने क्या किया मेम्ब्रेन की ब्लॉकिंग कर दी जो फ्री स्पेस है उस अब वो कोई भी खाली रही नहीं वहां पर भी कोई कोई प्रोटीन बाउंड है अब हमें एंटीबॉडी प्रोबिंग करनी पड़ेगी तो एंटीबॉडी प्रोबिंग के लिए अब हम क्या करेंगे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी इस्तेमाल करेंगे एंड प्राइमरी एंटीबॉडी इट वुड बी स्पेसिफिक फॉर प्राइमरी एंटीबॉडी वुड बी स्पेसिफिक फॉर इट वुड बी स्पेसिफिक फॉर टारगेट प्रोटीन टारगेट प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होगी अब ये एंटीबॉडी सिर्फ वहीं पर जाकर हाइब्रिडाइज होगी जहां हमारा टारगेट है बाकी जगहों पर ब्लॉकिंग प्रोटीन है इसलिए वो बाइंड हो नहीं सकती और अनवांटेड प्रोटीन के साथ वो बाइंड होगी नहीं और अब प्राइमरी एंटीबॉडी जाकर बाइंड हो गई वॉशिंग की ताकि एक्स्ट्रा जितनी भी एंटीबॉडी है वो वहां से हटा दी उसके बाद क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ कोई रेडियो आईस्टॉप नहीं जुड़ा हुआ है अब हम क्या करेंगे एक सेकेंडरी एंटीबॉडी का इस्तेमाल करेंगे एक्सेस so, एंटीबॉडी है उनको वॉशिंग कर कर हटा दी सिर्फ एंटीबॉडी अब वहीं पर बाउंड रहेगी जहां पर उसको उसका टारगेट मिल गया अब प्राइमरी एंटीबॉडी कहां पर बाउंड है उसको पता करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों एक सेकेंडरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर रेडियो सेकेंडरी एंटीबॉडी कैसी है रेडियो लेबल्ड है और सेकेंडरी एंटीबॉडी किसको रिकॉग्नाइज करेगी इट विल रिकॉग्नाइज इट विल रिकॉग्नाइज एफसी रीजन ऑफ रिकॉग्नाइज एफ सी रीजन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी को ये रिकॉग्नाइज करेगी तो जहां ये रीजन कौन सा होता है एंटीबॉडी का आपको पता है ना इस रीजन को हम एफ सी रीजन कहते हैं इसे क्या कहते हैं एफ सी रीजन और ये वाला रीजन को कहा जाता है एफ ए बी रीजन ठीक है सेकेंडरी बॉडी हाँ बिल्कुल ये एलिजा की तरह यह बिल्कुल महेशाइज बिल्ड अपॉन वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन

अलग प्रोटीन के लिए कंपनी को ऑर्डर देना है कि भाई मुझे इस तरीके की रेडियो लेबल एंटीबॉडी दो अब मुझे एक्टिन वाली रेडियो लेबल एंटीबॉडी दो अब मुझे मायोसिन के अगेंस्ट रेडियो लेबल एंटीबॉडी दो अब मुझे मान लो रूबिस्को के अगेंस्ट रेडियो लेबल एंटीबॉडी दो आज मुझे आइसो एंजैम मान लो लैक्टेड के अगेंस्ट दो कितना कॉस्टली हो जाएगा इसलिए एक एंटीबॉडी खरीद लिया आपने दो तो कंपनी से कौन सी खरीद ली एक एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट एफ सी रीजन के अगेंस्ट अब आपके पास प्राइमरी एंटीबॉडी आसानी से आप खुद डेवलप कर सकते हो आपको कंपनी से बार बार मांगने की जरूरत नहीं है और चाहे एंटीबॉडी आपकी एक्टिन के लिए हो चाहे मायोसिन के लिए हो चाहे ट्यूबलीन के लिए हो चाहे के लिए हो सब एंटीबॉडी का रीजन तो सेम होता है तो एपसी रिजन सेबल एंटीबॉडी जो आपने एक वो अगेंस्ट काम आएगी समझ में आई एंटीबॉडी का क्या रोल हुआ नहीं तो फिर हर प्राइमरी एंटीबॉडी रेडियो लेबल होनी चाहिए थी अब एक सेकेंडरी एंटीबॉडी से सबको पकड़ा जा सकता है ठीक है तो समझ में आया डायरेक्टली हम प्राइमरी एंटीबॉडी क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं क्लियर चलो ओके तो प्राइमरी एंटीबॉडी वेरिएबल होती है सेकेंडरी एंटीबॉडी फिक्स होती है अब सेकेंडरी एंटीबॉडी कहां पर जाकर बाइंड हुई उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे अगर सेकेंडरी एंटीबॉडी रेडियो लेबल्ड थी हमने तो फिर हम क्या करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी और जैसे एलिजा के अंदर क्या होता क्या होती है होती. तो फिर जिसको वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और सब्स्टेट कैसा होगा नॉन कलर्ड सब्सेट कैसा होगा नॉन कलर्ड और प्रोडक्ट कैसा बनेगा कलर्ड तो उस जगह पर कलर प्रोड्यूस हो जाएगा सो अगर सेकेंडरी एंटीबॉडी अगर सेकेंडरी एंटीबॉडी रेडियो लेबल्ड है अगर रेडियो लेबल्ड है तो दोस्तों क्या करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो व्हाट यू विल गो डू इज ऑटो रेडियोग्राफी और अगर सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड है अगर एंजाइम लिंक जैसे कि एलिजा में होती है अगर सेकेंडरी एंटीबॉडी एंजाइम लिंक्ड है एज यू सी इन एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस तो फिर विल प्रोवाइड जेनिक सब्सट्रेट रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का मतलब जो कि खुद नॉन कलर्ड हो पर एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो तो उसे कलर प्रोड्यूस हो जाएगा वंशिका नहीं प्राइमरी एंटीबॉडी इज यूज एज अ प्रोब एंड सेकेंडरी एंटीबॉडी इज यूज एज टू लोकेट द पोजिशन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी जासूसी तो किसने की हमारे टारगेट को किसने पकड़ा प्राइमरी एंटीबॉडी ने ठीक है तो प्रोब तो उसे ही कहेंगे पर प्रोब को पहचानने के लिए सेकेंडरी प्रोब आप कह सकते हो दैट वुड बी अ सेकेंडरी एंटीबॉडी ठीक है आर यू गेटिंग दिस पॉइंट चलो क्लियर तो अब जैसे ही हमने क्रोमोजेनिक सब्सिडी दिया तो वहां पर कलर्ड बैंड आ जाएगा या वहां से ऑटो रेडियोग्राफिक सिग्नल ऑटो रेडियोग्राफी पर बैंड अपेयर हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड एज वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन अगर दोस्तों आपको इस प्रोटीन में इस जगह पर एक से ज्यादा बैंड है अगर मान लो यहां पर एक प्रोटीन की बजाय यहां पर प्रोटीन ए भी है और प्रोटीन बी भी है तो फिर कैसे पता करेंगे यहां पर प्रोटीन ए भी है और प्रोटीन बी भी है तो एंटीबॉडी अगेंस्ट आपने ए सिग्नल इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर बैंड आ जाएगा और बी के अगेंस्ट भी अगर आप वहां पर एंटीबॉडी बी के बी प्रोटीन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी लेंगे तो भी वहां पर सिग्नल आएगा तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वंशिका वी कैन से दैट हियर वी यूज अ प्राइमरी प्रोब एंड सेकेंडरी प्रोब दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट टर्म प्राइमरी प्रोब इज अ प्राइमरी एंटीबॉडी व्हिच इज विदाउट अ फ्लोरोसेंट डाई और विदाउट एन एंजाइम और विदाउट रेड्यस्ट एंड सेकेंडरी प्रोब प्रोविच रिकॉग्नाइज अ प्राइमरी प्रोब एज अ टारगेट ओके सो प्राइमरी एंटीबॉडी जब प्रोब की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या है द प्रोटीन इन अ मिक्सचर और जब सेकेंडरी एंटीबॉडी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए टारगेट क्या है प्राइमरी एंटीबॉडी ओके चलो आगे बात करते हैं अब एक ही जगह पर आपके पास दो प्रोटीन है तो हमें क्या करना पड़ेगा पहले कोई प्रोब वन के साथ हाइब्रिडाइज़ करो पहले हम किसके साथ करेंगे प्रोब वन के साथ प्रोब वन के साथ से वहां पर उस जगह से सिग्नल आ गया तो हम कहेंगे वहां पर प्रोटीन वन इज प्रेजेंट वॉट विल प्रोटीन One is present. स्ट्रिप्टिंग स्ट्रिप्टिंग मतलब वन इज प्रेजेंट फिर स्ट्रिपिंग करेंगे यहां से हटा देंगे प्रो वन में क्या है प्राइमरी एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी को वहां से हटा देंगे फिर हम क्या करेंगे रिप्रोबिंग करेंगे इस बार हम प्रोब टू इस्तेमाल करेंगे प्रोब टू इज फॉर आर सेकंड प्रोटीन और उसके अगेंस्ट भी हमें सिग्नल मिल रहा है तो हम कहेंगे प्रोटीन टू इज ऑल्सो प्रेजेंट यहां पर बस इतना सा याद रखना है कि एस डी एस पेज में जो एक बैंड है वहां पर एक से ज्यादा प्रोटीन है और उन दोनों को पता करना है तो हम क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं प्रोबिंग स्ट्रिपिंग एंड रीप्रोबिंग ठीक है पहले एक प्रोब से एडवर्डाइज करो सिग्नल मिल गया चलो अच्छी बात है फिर उसको वापस हटाओ फिर दूसरा प्रोब इस्तेमाल करो दैट इज कॉल्ड एज प्रोबिंग स्ट्रिपिंग एंड रीप्रोबिंग ओके चलो आगे बात करते हैं अब फार वेस्टर्न क्या होती है तो फार वेस्टर्न के बारे में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी दोस्तों इंटरेक्शन टेक्निक तो तो बेसिकली वेस्टर्न ब्लॉट भी थी तो या फिर फार क्यों लगाया वेस्टर्न ब्लॉट इज ऑल्सो टेक्निक फॉर वेस्टर्न वेस्ट मतलब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन फार वेस्टर्न फार क्या बात हुई तो so ध्यान रखना नॉर्मल के अंदर जो प्रोब होता, होता है एंटीबॉडी होता है यहां पर नॉन एंटीबॉडी प्रोब का इस्तेमाल किया जाता है सो so, एंटीबॉडी को छोड़कर कोई तो दूसरा मॉलिक्यूल प्रोब की तरह काम करे। प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन की टेक्निक है वेर वी कैन से बिसाइड एंटीबॉडी सम अदर प्रोटीन इज रिकॉग्नाइजिंग योर टारगेट तो इसे क्या कहा जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट क्लियर प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन की टेक्निक है ये भी अदर्स लाइक कई जैसे एक्टिन को पहचाना जा सकता है आप मायोसिन से उनकी अच्छी दोस्ती गहरी दोस्ती है ठीक है प्रोटीन ए जाकर पहचान लेता है हमारे टारगेट प्रोटीन ए हुआ प्रोटीन जी हुआ उसकी अच्छी दोस्ती है आपके एफ सी रीजन ऑफ एंटीबॉडी के साथ समझ में आई तो जरूरत थोड़ी कि पहचानने का ठेका बायोलॉजी सिस्टम में सिर्फ एंटीबॉडी नहीं ले रखा है कई सारे प्रोटीन एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को पहचानते हैं ओके तो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे क्या कहा जाएगा मतलब इतनी सी बात याद रखना है फार वेस्टर्न के अंदर एंटीबॉडी के अलावा जासूसी के लिए हम एंटीबॉडी को भेजते नहीं जासू एंटीबॉडी के अलावा किसी और को डेप्यूट कर रहे हैं पहचानना अभी भी प्रोटीन को है भेज भी प्रोटीन को रहे हैं ट वुडी रेफर डार वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे ही साउथ वेस्टर्न ब्लॉट साउथ है डीएनए के लिए और वेस्टर्न है प्रोटीन के लिए तो साउथ वेस्टर्न किसके लिए है डीएनए प्रोटीन इंट्रैक्शन के लिए ठीक है तो हमारे पास टारगेट क्या होता है दोस्तों टारगेट इज सम ऑफ डीएनए एंड देन एज अ प्रूव व्हाट वी आर यूजिंग अ सम काइंड ऑफ प्रोटीन जैसे कई जगहों पर जीन के ऊपर आपका यहाँ तो कोई ट्रांसफैक्टर आकर बाइंड होता है वो बाइंड हुआ या नहीं हुआ वो पता करना हो फिर वो बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करेगा तो डीएनए जैसे स्टोन डीएनए आपस में इंटरेक्ट करते हैं जाकर डीएनए के साथ बाइंड होता है कई सारे ट्रांसम डीएनए के साथ जाकर बाइंड होते हैं के दौरान कई सारे प्रोटीन है वह ओरिजिन को जाकर पहचानते हैं तो डीएनए प्रोटीन इंट्रैक्शन को स्टडी करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं दैट कॉल्ड एस साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग सो दिस मैथड इज स्पेसिफिक फॉर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जहां पर रेडियो लेबल्ड डीएनए होता है जेल ब्लॉट के ऊपर और अगर डीएनए के साथ रेडियो लेबल्ड हमारे पास डीएनए है उसके साथ प्रोटीन बाइंड नहीं हुआ तो साइज अलग होगी और इसी डीएनए के साथ प्रोटीन बाइंड हो गया तो साइज वुड भी साइज स्मॉल रहेगी और साइज है वह बढ़ जाएगी लार्ज हो जाएगी ठीक है तो बैंड ऐसा आ जाएगा आग, अगर डीएनए बाइंड डीएनए के साथ प्रोटीन बाइंड नहीं हो रहा तो बैंड यहां पर आ सकता है और डीएनए के साथ बाइंड हुआ प्रोटीन यानी स्मॉल का मतलब ये टेन किलो डेल्टन का हो सकता है यहां पर ये हो सकता है फिफ्टी किलो डेल्टन का हो गया ये फिफ्टी किलो डेल्टन का हो गया अगर वो प्रोटीन के साथ बाउंड है तो टेन किलो डेल्टन का मतलब वह डीएनए विच इज विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोटीन डीएनए स्टोन डीएनए के बीच में इंटरेक्शन ओरिजिन की साइट और डीएनए ए प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन किसी ट्रांस इन और डीएनए के बीच में इंटरेक्शन ये सारे सारे हम साउथ वेस्टन और साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग जैसे हमने कहा वेस्टर्न ब्लॉटिंग के ऊपर डिपेंड एलिजा इस तरीके से साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग के ऊपर कौन स्टडी है दैट इज कॉल्ड एज जेल रिटार्डेशन ऐसे कौन सा जेल रिटार्डेशन ऐसे या जिसको हम कहते हैं इसका दूसरा नाम और भी है इलेक्ट्रोफोरेटिक इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे कि अगर प्रोटीन डीएनए के साथ बाइंड हुआ तो फिर डीएनए की इलेक्ट्रोफोरेसिस की मोबिलिटी में शिफ्ट होगा चेंज होगा ठीक है इवन इसके ऊपर ध्यान रखना डीएनए फुटप्रिंटिंग भी इसी टेक्निक के ऊपर बेस्ड है टेक्निक का क्या नाम है दोस्तों डीएनए फुटप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो थी हमारी

ओके okay. तो वेस्टर्न ब्लॉट और फार वेस्टर्न ब्लॉट में फर्क क्या था एंटीबॉडी और टारगेट हमारा प्रोटीन था वो ज्यादा स्पेसिफिक है क्योंकि वहां पर एंटीबॉडी आपको पर्टिकुलर एफिनिटी ज्यादा होती है

प्रोटीन पूरा बन गया ये प्रोटीन बना एंटन सीट फिर प्रोटीन ऐसे फोल्ड भी हो गया प्रोटीन फोल्ड भी हो गया फोल्ड होने के बाद उसके ऊपर कई सारे मॉडिफिकेशन होते हैं है ना मॉडिफिकेशन होते हैं इस तरीके से शुगर्स लग सकती है उसके ऊपर कोई फॉस्फेट ग्रुप लग सकता है तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को पता करने के लिए है ना प्रोटीन के ऊपर कोई लिपिड जुड़ गया फॉस्फेट जुड़ गया शुगर जुड़ गई उसको पता करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल की जाए तो उसे क्या कहता है ईस्टर्न ब्लॉट टेक्निक का क्या नाम है ईस्टर्न ब्लॉट आवाज आ रही है मेरी क्लियर ओके पूनम वेरी गुड तो सिर्फ नोट डाउन करना है ईस्टर्न ब्लॉट किसके लिए इस्तेमाल की जाती है ईस्टर्न ब्लॉट इस्तेमाल की जाती है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए तो हमारे यहां पर टारगेट क्या हो जाएगा टारगेट क्या हो जाएगा टारगेट हमारा होगा या तो शुगर या फॉस्फिड ग्रुप या कोई लिपिड अटैच टू अटैच टू प्रोटीन और प्रोब हमारा क्या होगा दैट वुड बी प्रोटीन जैसे दोस्तों शुगर को पहचानना है तो शुगर को पहचानने के लिए किस प्रोटीन का इस्तेमाल किया जा सकता है कोई बता सकता है हाँ, प्लॉट का नाम ईस्टर्न प्लॉट है पर मेरे शुगर को पहचानने के लिए जो प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं उस प्लॉट प्रोटीन का नाम क्या है लैक्टिंस तो लैक्टिंस क्या होते हैं शुगर बाइंडिंग प्रोटीन शुगर बाइंडिंग प्रोटीन क्रोमेटोग्राफी में लिखाया भी था आप ध्यान से आप इसका रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने कि अगर किसी शुगर को पहचानना है तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा लैक्टिन का शुगर बाइंडिंग प्रोटीन तो अगर किसी प्रोटीन के ऊपर शुगर जुड़ी हुई है तो उसको हम लैक्टिन से पहचान सकते हैं ओके यस लैक्टिन ऐसे किसी ने बताया भी था कि अगर कोई एनेक्सिन फाइव है तो वो किसको पहचान सकता है एनेक्सिन फाइव किसको पहचान सकता है कोई बता सकता है एनेक्सिन फाइव एक प्रोटीन है वो किसको पहचान सकता है प्रखंड ने लिखा था वंशी का क्या हुआ एनेक्सिन फाइव किसको पहचानता है यश yes, प्रदोष रागिनी वंशिका क्या हो गया बेटा एनेक्सिन फाइव लिख दो वो पहचानता है फोसफिड को इसको पहचानता है फॉस्फिडाइल सीरीन को वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड है ना तो कुल मिलाकर हमें तो सिर्फ इतना सा याद रखना है कि डिक्शनरी में ईस्टर्न ब्लॉड नाम की कोई चीज है वो भी दिमाग में घुसा देनी है और दूसरी हमें कि ये इस्तेमाल कहां होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए इसी तरीके से फार ईस्टर्न जैसे फार वेस्टर्न थी फार ईस्टर्न फार ईस्टर्न टेक्निक बेसिकली एनालिसिस ऑफ लिपिड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है यानी पहले आप एचपीएलसी एचपी टीएलसी करते हैं हाई परफॉर्मेंस लेयर क्रोमेटोग्राफी और इस बार आपका टारगेट क्या हो गया तो टारगेट हो गया आपका लिपिड ठीक है और प्रोब जैसे अभी मैंने पिछले स्लाइड में लिखा था प्रोब हमारा हो गया प्रोटीन जैसे कि लिपिड के तौर पर है फोसडाइल सीरीन ठीक है फोसडाइल सीरीन है तो उसको हम कैसे पहचान सकते हैं फोसडाइल सीरीन को हम पहचान सकते हैं एनएक्सी फाइव से ठीक है क्लियर तो ईस्टर्न है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए और फार ईस्टर्न है कि जो डिफरेंट तरीके के जैसे मेम्रीन लिपिड है 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 उनको पता करने के लिए अगर हम किसी प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज एफ फार ईस्टर्न इतना सा नोट लिख दो ठीक है क्लियर यहां तक बात अच्छा अब क्लियर हुआ तो इसके ऊपर दिमाग लगा के बताओ फॉर प्रोटीन डिटेक्शन मोस्ट कॉमनली यूज प्रोब इज प्रोटीन को डिटेक्शन करने के लिए सबसे ज्यादा किस प्रोब को इस्तेमाल किया जाता है ठीक है यस एंटीबॉडी शाबाश वेरी गुड मंटू शुरुबंशी वंशिका रखर शिवराज हेना अब इसका आंसर बताओ वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक फॉर डिटेक्शन ऑफ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आपके है ना वेस्टर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए डीएनए के लिए प्रोटीन के लिए ग्लाइकोलिपिड के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए वेरी गुड आस्था फिर दोष आगिनी शिवराज मंटू काजल मेघा शाह वंशिका श्रेया सब सही कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्लाइकोलिपिड के लिए पूछा जाता तो फिर पार कहते हैं लिपिड्स की प्रोफाइलिंग की बात होती चलो आगे बात करते विच ऑफ टेक्निक डिटेक्ट एम आर ए इन अ सैंपल ये बताओ ये टेक्निक भी आया हुआ है वेरी गुड इट वुड बी वेस्टर्न पर कौन चला गया स्नो ड्रॉप भूल गए तो एम आर एन एन आर एन ए को पता करना है तो क्या होगा नो ब्लॉटिंग वेरी गुड वेरी गुड रिया स्वाति विवेक आस्था पूनम काजल सुधा समद सोनल वेरी गुड चलो इसको दिमाग लाओ विच ऑफ इज नॉट एट ऑल ब्लॉटिंग टेक्निक कौन सी ब्लॉटिंग टेक्निक नहीं है बिल्कुल भी ब्लॉटिंग टेक्निक नहीं है अब ये बताओ Yeah. देखो ईस्टर्न हमने पढ़ ली थी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन के लिए पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के लिए पार ईस्टर्न भी हमने पढ़ ली थी लिपिड्स के लिए पार वेस्टर्न भी हमने पढ़ ली थी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए वेर दूसरा प्रोटीन इज नॉट एंटीबॉडी दूसरा प्रोटीन एंटीबॉडी ना हो पार नॉर्दर्न ऐसा कोई नाम मुझे देखने को नहीं मिला वेरी गुड काजल अंशिका स्वाति ऋषभ मंतु काजल है ना बहुत अच्छी बात है आनंद समझ तो में आ रही बात चलो अब हम बात करते हैं पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन बहुत छोटा सा टॉपिक इसके बारे में बात कर लेते हैं ये तो हमने उसके बारे में पढ़ा सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम क्या है कि बेसिकली डीएनए की फोटोकॉपी मशीन है जो डीएनए है उसको डी करते हैं फिर उसके साथ कोई प्रोब आकर हाइब्रिडाइज होगा इन इन जगहों पर प्रोब आकर हाइब्रिडाइज होने के बाद इन प्रोब से एम्प्लीफिकेशन होगा सॉरी प्रोब के बजाय अब हम टर्म इस्तेमाल करेंगे प्राइमर यहाँ पर आकर बैंड होगा फिर कोई डीएनए पॉलीमरेज आकर बैंड होगा उसको एक्सटेंड करेगा इसको एक्सटेंड करेगा फिर वापस डीनेचुरेट करेंगे फिर वापस इनके जगह पर यहाँ पर कोई प्राइमर आकर बैंड होगा फिर और इस तरीके से बार 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 बार, बार, बार साइकिल्स चलती रहेगी सो पीसीआर टेक्निक टू एम्पलीफाई सेगमेंट ऑफ डीएनए ठीक है इसमें कितनी टोटल टोटल कॉपीज़ कॉपीज़ बनेगी? तो डीएनए की कितनी बनेगी वह डिपेंड करता है जिसको हम एन टी कह सकते हैं वुड बी इक्वल टू एन जीरो इन टू टू रेज टू पावर एन ठीक है जहां पर एन जीरो आपका हो गया ओरिजिनल डीएनए स्ट्रेंड्स एन हो गया नंबर ऑफ साइकल्स कितनी साइकल्स आप करा रहे हैं जैसे कहा कि आपके पास दो, दोस्तों ओरिजिनली देर आर टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए देर आर टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये आपको कहा कि एन जीरो है आफ्टर थ्री साइकिल्स कितने डीएनए होंगे आफ्टर थ्री साइकिल्स कितने डीएनए होंगे कौन बताएगा सो so, ओरिजिनली ये हमारे पास टू था थ्री साइकिल का मतलब टू रेस टू पावर थ्री एट हो जाएगा यस सिक्सटीन तो कैसे निकालेंगे हम तो टोटल वुड बी एन जीरो इन टू Two raise to power n और थर्टी से थर्टी फाइव साइकिल करने का मतलब तो खूब सारी मिलियन ऑफ कॉपी टारगेट डीएनए की बन जाएगी ठीक है तो दोस्तों पीसीआर के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीजें हमें चाहिए मशीन क्या है मशीन का नाम क्या है पीसीआर किस मशीन में करते हैं पॉलिम्रेज चेन रिएक्शन करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसका नाम क्या है मशीन का नाम यस वेरी गुड थर्मोसाइक्लर यस वेरी गुड शिवराज मशीन का नाम क्या है थर्मोसाइक्लर क्योंकि बार बार टेम्परेचर को चेंज करेगा तो थर्मोसाइक्लर के अंदर जैसे पीसीआर मशीन भी नॉर्मली हम कह देते हैं बट दैट इज बेसिकली अ थर्मोसाइक्लर जिसके अंदर हमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कई सारी चीजें डालनी पड़ेगी अगर एम्पलीफाई करना तो उसमें क्या क्या डाली जाए इसमें क्या क्या चीजें ऐड की जाए उसके बारे में देखें सबसे पहले हमें उस डीएनए को डालना पड़ेगा जिसको हमें एम्पलीफाई करना है सपोज ये डीएनए है जिसको जिसकी हमें खूब सारी इस डीएनए के इस रीजन की हमें खूब सारी कॉपीज बनानी है तो पहले आपको क्या डालना पड़ेगा वह डीएनए डालना पड़ेगा टेम्पलेट डीएनए जैसे टारगेट तार्ग, नहीं कहेंगे अब टेम्पलेट कहेंगे टारगेट तो जिसको ढूंढना होता है जिसको मारना होता है जिसको शूट करना होता है अभी हमें क्या करना है इसको हमें टेम्पलेट जिसकी कॉपी बनानी है फोटो कॉपी करनी है तो अब हम थोड़ा सा टेक्निकल टर्म इस्तेमाल क्या करेंगे टेम्पलेट है जो ओरिजिनल पेपर आप फोटोकॉपी की दुकान पर लेकर जाते हैं उसे टारगेट नहीं कहेंगे उसे कहेंगे टेम्पलेट की सर ये टेम्पलेट है इसकी फोटोकॉपी निकालो तो विल यूज अ टर्म टेम्पलेट एडियन ओके गॉट दिस तो टेम्पलेट डी एने जिसमें वह हमारा रीजन होगा जिसको हमें एम्पलीफाई करना है तो टेंट के अंदर वह रीजन जिसको एम्पलीफाई करना है यानी पूरी फुर, किताब लिखे गए वो टेम्पलेट है उसमें से किस पन्ने से किस पन्ने तक फोटोकॉपी करना है वो आपका टारगेट रीजन हो गया ओके चलो उसके अलावा हम न्यूक्लियोटाइड्स इस्तेमाल करेंगे जो जोड़े जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स जैसे डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉसपेट जीटीपी वाली फॉर्म सी टीपी वाली फॉर्म सब राइबो न्यूक्लोटाइड नहीं है सारे सारे कैसे डी ऑक्सी रायो न्यूक्लोटाइड Yes, कैरी मुलिस ने इसको दिया था किसने दिया था चलो उन, उनको भी याद कर लेते हैं किसने बात बताई पहले? कैरी मुलिस ने इसके बारे में बात बताई थी उसके अलावा हमारे पास देर, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है प्राइमर्स और दो प्राइमर है ना तो ये हमारे पास डीएनए को हम डबल स्टैंडर्ड था उसको सिंगल स्टैंडर्ड करेंगे दोस्तों ये फाइव प्राइम ये थ्री प्राइम ये थ्री प्राइम और फाइव प्राइम एक प्राइमर यहां पर कहीं पर बाइंड होगा और इधर सपोज टारगेट रीजन पर बाइंड हुआ और ऐसे सिंथेसिस करेगा प्राइम प्राइम टू डायरेक्शन एक प्राइमर यहां पर कहीं पर बाइंड हुआ और इधर से इधर की तरफ सिंथेसिस कराएगा कराएगा इधर की तरफ सिंथेसिस तो इस इस प्राइमर को कहा जाता है इस प्राइमर को कहा जाता है फॉरवर्ड प्राइमर इसे क्या कहा जाएगा फॉरवर्ड प्राइमर और इसे क्या कहा जाएगा रिवर्स प्राइमर इसे क्या कहा जाएगा रिवर्स प्राइमर कहा जाएगा तो हमें क्या इस्तेमाल करना है एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्स प्राइमर फिर डीएनए पॉलिमरेज या कोई दूसरा डीएनए पॉलिम्रेस जो थर्मोस्टेबल हो जिसके बारे में हम बात करेंगे ना तो एक हमें क्या इस्तेमाल करना है कोई थर्मोस्टेबल थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलिम्रेज इस्तेमाल करना है फिर कोई डाइवलेंट कैटन इस्तेमाल करना है जैसे मैग्नीशियम आयन जो कि डीएनए पॉलिम्रेज को चाहिए एज अ को फैक्टर अगर के तौर पर दोस्तों अगर मैग्नीज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर म्यूटेशन की रेट बढ़ जाती है मतलब तो आपको जानबूझ कर म्यूटेशन करवाने हैं तो फिर मैग्नीशियम की आयन की जगह पर मैग्नीज़ आयन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अलावा बफर सॉल्यूशन ताकि कंडीशन वहां पर मेंटेन रहे क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं टेम्पलेट डीएनए इस्तेमाल करना है। दोस्तों टेम्पलेट डीएनए के बाद हमें डी ऑक्सीराइबोन्यूक्ट इस्तेमाल करने हैं तीसरी चीज हमें सेट ऑफ प्राइमर इस्तेमाल करना है चौथी चीज हमें इस्तेमाल करना है, है टैक जो नॉर्मली मैग्नीशियम मैगनीशियम होता है और छठा ये सारी चीजें बफर में होगी ओके उसके बाद दोस्तों ये तो हुई रिक्वायरमेंट्स अब कितनी अमाउंट हालांकि इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा फिर भी टेम्पलेट डीएनए की अमाउंट अगर कोई छोटा सा डीएनए है डीएनएन के या छोटी साइज का तो टेम्पलेट डीएनए आपको वन पीको ग्राम से वन नैनोग्राम के बीच में चाहिए और अगर डीएनए हो काफी बड़ा डीएनए हो तो हमें अमाउंट लेनी पड़ेगी वन नैनोग्राम से वन माइक्रोग्राम तक तो वन पीकोग्राम टू तो वन नैनोग्राम फिर वन नैनोग्राम टू तो वन माइक्रोग्राम डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द डीएनए जो आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं प्राइमर्स कितने लेने तो प्राइमर्स 0.1 से 0.5 फाइव माइक्रोमोलार ऑफ ईच प्राइमर फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर कहां से कहां तक लेंगे 0.1 से 0.5 के बीच में मैग्नीशियम क्लोराइड एक डेढ़ से दो मिली मोलार स्पेशली टैक डीएनए पॉलीमरेज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1.5 से 2 मिली मोलार डीएनटीपी जनरली 2 माइक्रोमोलार के आसपास ली जाती है चार तरीके डीएनटीपी देंगे डीएटीपी डीसी हर किसी की अमाउंट कितनी ली जाएगी टू हंड्रेड माइक्रो मोलार और टैक डीएन्यूम पॉलीमरेज की आधी से दो यूनिट पचास माइक्रोलीटर रिएक्शन वॉल्यूम क्योंकि जो हमारा पीसीआर ट्यूब होती है छोटी सी पीसीआर ट्यूब के अंदर अगर टोटल वॉल्यूम अगर पचास माइक्रोलीटर ले रहे हैं तो उसमें रफली एक यूनिट एड करते हैं कुछ कंडीशन पॉइंट फाइव भी हो सकती है तो कुछ कंडीशन वो दो भी हो सकती है क्लियर तो अमाउंट वॉट जनरली यू यूज हां बिल्कुल कोविड का भी बात करेंगे अभी है ना उसके लिए भी पीसीआर का यूज होता है अब हमें क्या इस्तेमाल करना है ध्यान रखना हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज क्योंकि यहां पर हम टेम्परेचर बार बार बढ़ाएंगे इवन 90 डिग्री 100 डिग्री तक भी करेंगे तो हमारे पॉलीमरेज ऐसा होना चाहिए जो कि हीट स्टेबल हो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों टैक डीएनए पॉलीमरेज नोट डाउन करो टैक डीएनए पॉलीमरेज लिया कहां से गया है थर्मस एक्वाटिकस से लिया गया हाँ वहां ये शिवराज यहां पर हमारे लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड नहीं होगी ठीक है शिवराज यहां पर सारे दोनों लीडिंग ही होगी तो टैक डीएनए पॉलीमरेज कहां से ऑप्टिन किया जाता है एक हॉट सल्फर स्प्रिंग से एक आर्किंग बैक्टीरिया से थर्मस एक्वाटिकस से इसके अंदर थ्री प्राइम एग्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है थ्री प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी एबसेंट होती है जिसकी वजह से ये प्रूफ रीडिंग नहीं कर सकता इसलिए थोड़ी सी गलतियां ज्यादा करता है इसलिए इसका भरोसेमंद कम है सो so, थ्री प्राइम एग्जो न्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है इसमें एबसेंट है ध्यान रखना प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाता यानी हर एक गलती को छोड़ता है लगभग 9000 न्यूक्लियोटाइड को जब 9000 या दस हजार न्यूक्लियोटाइड को बनाएगा तो उसमें एक गलती को करेगा पर जनरली हम इसको इग्नोर मारते हैं कि इतनी गलती चलेगी लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा फाइडिलिटी भरोसा चाहिए तो फिर आप दूसरा एंजाइम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे पी एफ यू पी एफ यू डीएनए पॉलिमडेस कहां से किया जाता है ध्यान रखना नाम ये डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग आ सकता है कि कौन सा कहां से किया जाता है तो ये किया जाता है पायरो कोकस फ्यूरियोस से फ्यूरियोस इसके अंदर अच्छी बात है कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मौजूद होती है इसलिए इसके ऊपर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है गलती होने की संभावनाएं हजार गुना कम होगी कॉस्टली है इसलिए तो हम इग्नोर मारते हैं ना थोड़ी एप्पल का मोबाइल खरीद लेते हैं है। हमें पता है अच्छा है एंड्रॉय से काम चलाते हैं ना क्योंकि पता है वो कॉस्टली है पर जहां पर खूब ज्यादा पैसे और सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी अमीर लोगों की बात है तो फिर वो वहां पर पैसा भी खर्च करेंगे वो तो सुविधा तो जरूरत के हिसाब से होती है ना हमारे चलता है कि नौ हजार में एक गलती छोड़ रहा मैं तो हजार बीस पे कोई एम्पलीफाई कर रहा हूं तो टैग चलेगा है ना तो अपने लिए टैग चलेगा इसी तरीके से एक है वेंट डीएनए पॉलीमरेज जो हाइड्रोथर्मल डी वेंट से ऑप्टेन किया गया है वेंट डीएनए पॉलीमरेज तो हाइड्रोथर्मल डी वेंट में एक बैक्टीरिया होता है नाम है थर्मोकोकस वेंट पॉलीमरेज जिसके पास भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है हाई फाइडिलिटी यह भी भरोसे वाला है वेंट पॉलीमरेज और एक चौथा पॉलीमरेज याद रख सकते हो आप ओ दैट इज पायरोगोकस वो वोसाई से ऑपटटेन किया गया ये भी एंजाइम है ये भी भरोसे वाला है। बस एक ही भरोसे वाला नहीं है जिसको हम सबसे ठीक सस्ता सस्ता है, है तो पी एफ यू वेंट डब्ल्यू ओ इन तीनों ही डीएनए पॉलीमरेज का प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है ये थोड़े ज्यादा भरोसे वाले हैं पर कॉस्टली है अवेलेबिलिटी इनकी कम है चलो अब पीसीआर की स्टेप्स तो पहली स्टेप्स जैसे आप देख रहे हो डीनेचुरेशन होती है जो कि नब्बे से सौ डिग्री के बीच में होती है जहां डीएनए को करते हैं एक बार डीएनए टेम्पलेट डी नेचुरट हो गया तो अगला स्टेप होता है दोस्तों की प्राइमर अनिलिंग प्राइमर अनिलिंग का टेम्परेचर पचास से पैंसठ डिग्री के आसपास होता है टारगेट रीजन है वहां पर जाकर प्राइमर हाइब्रिडाइज हो गए एक बार प्राइमर हाइब्रिडाइज हो गए तो अब हमें प्राइमर को एक्सटेंड करना है प्राइमर को आगे की तरफ लेकर जाना है तो प्राइमर को एक्सटेंशन करने के लिए टैक डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर टेम्परेचर जो होता है वह डीएनए पॉलीमरेज के मन माफिक होता है तो अगर टैक डीएनए पॉलीमरेज लेते हो तो उसको पसंद है सेवेंटी डिग्री तो सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको एक्सटेंड करेंगे और इस तरीके से साइकिल्स फिर वापस ये तीन साइकिल्स बार 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 चलती रहेगी तीन साइकिल बार 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 चलती रहेगी जब तक कि हम हमारा पूरा कंप्लीट जितनी साइकिल उतनी साइकिल में एम्पलीफाई नहीं कर लेते सो so, डी फिर प्राइमर रनलिंग प्राइमर एक्सटेंशन डी नेचुरेशन प्राइमर रनलिंग एक्सटेंशन ये तीन स्टेप्स बार 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 होती रहेगी डी नेचुरेशन के लिए टेम्परेचर जनरली ये होता है प्राइमर रनलिंग में ऐसा और प्राइमर एक्सटेंशन में ऐसा स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए डी नेचुरेशन ऑफ डीएनए के लिए जनरली जो टेंपरेचर रखा जाता है वो नाइनटी से हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखा जाता है और बीस से तीस सेकेंड टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है जहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में डबल स्टैंड डीएनए किसमें कन्वर्ट हो गया है सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया है अब बेसिकली नाइन्टी uh, डिग्री टीएम रखेंगे सॉरी नाइन्टी डिग्री आप डी नैक्श्रेशन टेम्परेचर रखेंगे या नाइन्टी फाइव रखेंगे या नाइन्टी एट डिग्री रखेंगे उस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपका टेम्पलेट डी एन ए है उसमें जी सी कंटेंट कितना है अगर जी सी कंटेंट ज्यादा तो हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा जीसी कंटेंट कम है तो लो टेम्परेचर पर काम चल जाएगा सो so, नब्बे डिग्री रखेंगे या सौ डिग्री रखेंगे वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है डिपेंड करता है जीसी कंटेंट के ऊपर जीसी सी कंटेंट जैसे ज्यादा होता जाएगा वैसे वैसे आपको हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा डीनेचुरेशन में होता क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब होती है ओके okay? चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन के बाद प्राइमर जो कि 50 से 60 डिग्री या 50 से पैंसठ डिग्री के बीच में भी कराया जा सकता है 50 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराया जा सकता है और प्राइमर अनिलिंग के लिए समय लगभग 20 सेकंड से 50 सेकंड का दिया जाता है जहां पर आपका देख रहे हो फॉरवर्ड प्राइमर भी आप फॉरवर्ड प्राइमर भी यहां पर आकर बाइंड हो रहा है और रिवर्स प्राइमर भी यहां पर आकर बाइंड होता है उस जगह पर, तो पर आप देख सकते हो रिवर्स प्राइमर भी, भी यहां पर हाइब्रिडाइज हुआ ध्यान रखना कि जो प्राइमर बाइंडिंग पचास से पैंसठ डिग्री के बीच में की जाती है पर यह टेम्परेचर तय कैसे होता है तो जो प्राइमर की बाइंडिंग के लिए जो टीएम होता है यहां पर टीएम टीएम मतलब फिफ्टी परसेंट प्राइमर वापस अलग हो जाए जो कुछ भी टीएम होगा उससे तीन से पांच डिग्री नीचे होगा यानी सपोज कहा कि टीएम ऑफ प्राइमर बाइंडिंग यानी जहां पर 50 परसेंट प्राइमर वापस हट जाता है वह आपको कहा कि वह पैंसठ डिग्री है तो फिर प्राइमर अनलिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए तो हम कहेंगे साठ से बासठ डिग्री होना चाहिए ठीक है ध्यान रखना यह बात कि प्राइमर के टीएम से प्राइमरी अनलिंग टेम्परेचर तीन से पांच डिग्री कम होता है ठीक है और प्राइमर का टीएम क्या है तो प्राइमर का टीएम कि जहां पर 50 परसेंट प्राइमर वापस हट जाए क्लियर आगे बात करते हैं अब दोस्तों थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर यानी अब धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करा जाए एक्सटेंशन कराने का काम तो अब समझ में आ ही गया तो एक्सटेंशन कराने के लिए डीएनए पॉलिमरेज का इस्तेमाल करते हैं जो कि डीएनटीपी को

जो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों पीसीआर के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्राइमर्स क्योंकि प्राइमर ही सारी सारी इस ताले की चाबी है प्राइमर सही जगह पर बाइंड होने चाहिए क्योंकि जहां प्राइमर बाइंड होगा उसके बीच वाला रीजन ही जिसे हम टारगेट रीजन कह रहे हैं वही रीजन एम्पलीफाई होगा तो प्राइमर का सही जगह पर बाइंड होना जरूरी है सही जगह पर बाइंड हो इसके लिए क्या क्या बातें ध्यान रखें तो प्राइमर की लेंथ प्राइमर की आइडियल लेंथ 18 से 24 न्यूक्लियोटाइड की होती है उसे छोटी रखेंगे तो वो नॉन स्पेसिफिक जगह पर यानी छोटी सीक्वेंस कहीं और अवांछित जगहों पर मिलने की संभावना ज्यादा होगी अनवांटेड जगहों पर भी छोटी सीक्वेंस मिल सकती है और बहुत ज्यादा चौबीस से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड रखेंगे तो हो सकता है ऐसे सीक्वेंस कहीं मिले ही ना तो जनरली

बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर जनरली कोशिश करो कि बावन से अट्ठावन डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रखो ऑब्वियसली प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर जीसी के ऊपर डिपेंड करेगा तो कोशिश करो कि प्राइमर के अंदर इतनी ज्यादा ग्वानिन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन की सीक्वेंस भी ना रखो कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर साठ से ऊपर चला जाए टीएम

प्राइमर के टीएम से प्राइमर अनलिंक टेम्परेचर आपको तीन से पांच डिग्री कम करके रखना है उसके बाद जीसी क्लम कि जो प्राइमर है उसके अंदर ऐसा ना करें जो भी आप प्राइमर बना रहे हैं उस प्राइमर में ऐसा ना करें कि ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम सपोज प्राइमर है जो इस जगह पर जाकर बाइंड होने वाला है है ना जो मान लें इस जगह पर जाकर कहीं पर बाइंड होने वाला है इस जगह पर टेम्पलेट के ऊपर

तीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए नहीं तो बहुत टाइट बाइंडिंग होगी टाइट बाइंडिंग का मतलब है नॉन स्पेसिफिक जगह पर भी जाकर बाइंड होना शुरू हो जाएगा और दूसरा ये प्राइमर ऐसे स्ट्रक्चर ना बना ले जो प्राइमर बनाए वो आपस में ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं बनाने चाहिए या प्राइमर आपस में गले नहीं मिल जाने चाहिए ऐसा नहीं होगी फॉरवर्ड प्राइमर रिवर्स प्राइमर से ही गले मिल जाए नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए तो प्राइमर शुड नाट फॉर्म अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर नॉट दे शुड हाइब्रिडाइज विद ईच अदर और प्राइमर और टेम्पलेट के बीच बहुत ज्यादा होमोलोगी होनी चाहिए प्राइमर सिर्फ टेम्पलेट में उसी जगह पर बाइंड हो जहां पर बाइंड कराना चाहते उसके अलावा किसी जगह पर बाइंड नहीं होनी चाहिए इन सब बातों का ध्यान रखा जाए प्राइमर को बनाते वक्त कि प्राइमर की लेंथ क्या होनी चाहिए प्राइमर का टीएम क्या होना चाहिए प्राइमर का अनिलिंग टेम्परेचर क्या होना चाहिए प्राइमर में जीसी की सीक्वेंसेस कितनी रखनी चाहिए प्राइमर की स्पेसिफिक बाइंडिंग होनी चाहिए और प्राइमर में कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स नहीं बनना चाहिए ओके क्लियर यहां तक बात आगे चलें। ओके। अब पीसीआर जो आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है दैट इज आर टी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर क्योंकि अब तक तो हम जो नॉर्मल पीसीआर पढ़ा है उसके अंदर क्या होता है कि हमारा टेम्पलेट जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वह डीएनए होता है पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर के अंदर डीएनए की बजाय स्टार्ट हम किससे करते हैं आरएनए स्टैंड से सबसे पहले हमारे पास क्या होता है आरएनए और इस आरएनए से हम बनाएंगे डीएनए आर से क्या बनाएंगे हम डीएनए तो आर से डीएनए बनाना इसे कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एंजाइम का नाम क्या है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आप किसी भी रेट्रो वायरस से ले सकते हैं जैसे एवियन ल्यूकेमिया वायरस से ले सकते हैं मंकी माइलोमा वायरस से ले सकते हैं एच ह्यूमन टी लिम्फोट्रॉपिक वायरस से लिया जा सकता है लेकिन पीसीआर के अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमें लेना है वो थर्मोस्टेबल होना चाहिए और जो थर्मोस्टेबल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस्तेमाल किया जाता है दैट इज आरटीएच पॉलीमरेज आर टी एच पॉलीमरेज जो किससे लिया गया है आर का मतलब है रिवर्स टी टी एच का मतलब है थर्मो थर्मस थर्मोफाइल्स ठीक है तो टी एच थर्मस थर्मोफाइल्स और आगे आर लगा दिया मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस और ध्यान रखना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टचुर प्रेजेंट होता है इसको प्रोड्यूस किया गया है इस बैक्टीरिया में बाय अ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी एप्रोच कुछ म्यूटेशन कर रिकॉम्बिनेंट एक एंजाइम बनाया गया है किसमें दर्मस थर्मोफाइल्स एंजाइम का नाम क्या है डायरेक्टली एग्जाम में पूछा सकता है एंजाइम का नाम क्या है आरटीएच पॉलीमरेज ध्यान रखना इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की एक्टिविटी भी और डीएनए पॉलीमरेज यानी आरएनए से डीएनए बनाएगा और फिर इस डीएनए से वापस डीएनए की कॉपी भी ये याद रहेगा आर टी टी एच पॉलीमरेज विच हैज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस तो आरटी का फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम इस्तेमाल करते हैं अपन क्लियर क्लियर तक तो बात ग्लियर? ओके सो so, आरएनए से एक बार आपका तो, वही काम -काम, वही आप करेंगे और को एम्पलीफाई करेंगे अब दोस्तों एक्चुअली कोविड के अंदर जो आरटीपीसीआर इस्तेमाल किया जाता है वह है रियल टाइम आरटीपीसीआर दो चीजें इसमें मिक्स है एक तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो होता ही होता है उसके साथ साथ रियल टाइम और है नॉर्मल अगर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव पीसीआर होता तो फिर हम तीस साइकिल तक रन करते साइकिल के रन करने के बाद हमें पता चलता कि रिजल्ट पॉजिटिव है रियल टाइम पीसीआर में यह पता है कि आपको पांच या सात या दस या बीस या पच्चीस साइकिल में ही पता चल जाता है कि थ्रेश लेवल से सिग्नल बार आते ही पता चल जाता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है तो रियल टाइम पीसीआर को हम क्वांटिटेटिव पीसीआर भी कह सकते हैं

हमने कहा कि आर टी एच पॉलिम्रेस है ना या कोई भी डीएनए पॉलिम्रेस यहां पर हम इस्तेमाल क्या करते हैं दोस्तों एक और उस स्पेसिफिक प्रोब इस्तेमाल करते हैं एक फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल होता है और फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ एक क्वेंचर भी होता है अगर डीएनए पॉलिम्रेस जो डीएनए पॉलिम्रेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस डीएनए पॉलिमरेज में क्या होनी चाहिए फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम

सिर चमकना शुरू हो जाएगा फ्लोरेसेंस करना शुरू हो जाएगा जब तक सिर और पूंछ साथ में जुड़ी हुई थी तब तक फ्लोरसेंट सिग्नल नहीं आ रहा था तो पहली बार डीएनए होगा, तो दो प्रोब है वह अपनी सिर को और मुंडी अलग हो जाएगी चार टेम्पलेट हो तो चार जगह प्रोब हाइब्रिडाइज होगा और चार जगहों से अलग होगी तीसरी साइकिल में आठ जगहों से मुंडियां अलग होगी